नमस्कार एन के वाग्दा चैनल पर आप सभी का स्वागत है शिक्षार्थियों डी का यह शैक्षिक कार्यक्रम आप सभी के लिए है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम डी के विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं इस कार्यक्रम में आप भी हिस्सा लें उसके लिए टोल फ्री नंबर है वन एट डबल जीरो वन एट ज़ीरो टू फाइव फोर थ्री ईमेल है वाग्दा शिक्षार्थियों जैसा कि जानते हैं आप कि प्रतिदिन हम तीन बजे से लेकर पाँच बजे तक विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं आपसे और कोशिश ये करते हैं कि विषय को स्पष्ट किया जाए विस्तार से समझाया जाए आपके विचारों को भी हम सुनते हैं आपके सवालों को सुनते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि विषय को और स्पष्ट किया जाए इस कार्यक्रम में कल हमने बातचीत की थी कि किस तरह से विद्यालय विद्यालयी शिक्षा में समुदाय का योगदान होता है हमने पंचायत के योगदान के बारे में पढ़ा और सुना उसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से विद्यालय के लिए योगदान दे सकते हैं उसके बारे में भी बातचीत की उसी सिलसिले को आज बढ़ाते हुए आगे हम और भी उसके कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं आपको आज के विशेषज्ञों से मिलाना चाहूँगा हमारे साथ डॉक्टर रेनू तोमर हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से और डॉक्टर संगीत शर्मा हैं इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षार्थियों जिस तरह से विद्यालय की परिकल्पना की गई है जैसा कि कल भी बताया गया कि विद्यालय समाज के अंदर ही स्थित होता है इसलिए समाज या समुदाय प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय को प्रभावित करते हैं और दूसरी ओर विद्यालय भी समुदाय को प्रभावित करते हैं तो यह जो अंतर संबंध है उन संबंधों को शिक्षकों को जानना चाहिए उसके कौन कौन से लाभ हैं उसके उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके निषेधात्मक पक्ष क्या क्या हैं ये सारी बातों की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए तो मैं डॉक्टर रेनू से कहूँगा कि इस चर्चा पे आज क्या बताने वाली हैं उसके बारे में बताएं। नमस्कार व्यूअर्स टुडे वी शेल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप टीचिंग लर्निंग मटेरियल। व्हाट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन कैन अ कम्युनिटी गिव फॉर एज फार एज प्रिपेयरिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज कंसर्न एंड वी शैल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट रिलेटेड एक्सपीरियंसिस एंड रिसर्च स्टडीज एज फार एज पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन स्कूल एजुकेशन इज़ कंसर्न तो आज जैसा आपको राय साहब ने भी बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शोध क्या क्या हुए हैं और उस शोध से जो निष्कर्ष निकले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम और हम ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपीरियंसेस रियल एक्सपीरियंसिस क्या हैं जब हम वी की बात करते हैं जब हम कॉम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो उसमें सच्चाई so, क्या है ताकि हम ये पता लगा सकें कि कहाँ खामियां हैं और कहाँ हमारे आ, हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जिनको हम स्ट्रेंथन करें और अगर कमियां हैं तो उनको हम दूर करने के लिए कोशिश करें शिक्षा क्या है और शिक्षा की क्वालिटी कौन डिसाइड करेगा शिक्षा की क्वालिटी क्या नंबरों से आप अंकित अंकित करेंगे अगर किसी बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो क्या हम ये मानकर चलें कि वह अच्छी शिक्षा पा रहा है या फिर अच्छी शिक्षा बच्चा पा रहा है या नहीं पा रहा है हम इस चीज़ से तय करेंगे कि बच्चा उस शिक्षा का इस्तेमाल अपने जीवन में कितना कर पा रहा है और उसका इस्तेमाल करने के कारण वह अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट और कितना प्रोग्रेसिव पा रहा है अगर एजुकेशन हिंडर्स as far as per, uh, as far as performance in the world is concerned then naturally it is not a real education because education should be making students critically aware of their actions individually and collectively and it should help the world to meet future challenges so this is most important aspect and this is the reason why we say that community participation is must कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जहाँ तक बात आती है ये शुरू से ही था लेकिन इसने ज़्यादा जोर तब पकड़ा जब हमने आर की बात करनी शुरू की राइट टू एजुकेशन जब हमने आर को एक्सेप्ट uh, कर लिया और उसके बाद हम डी पी ई पी और सर्वशिक्षा अभियान में गए तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को वहाँ पे हमने अपना एक एजेंडा बना लिया एक प्रमुख एजेंडा था इनफैक्ट डी पी ई पी मैनिफेस्टो वॉज फर्स्ट नेशनल लेवल डॉक्यूमेंट वे गवर्नमेंट कंसर्न शिफ्टेड फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन टू प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन में थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है जब हमने प्राइमरी एजुकेशन की बात करनी शुरू की तो हमने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज कंसर्न बिकॉज द चाइल्ड इज कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी दैट इज़ वाई द कॉन्प्ट ऑफ पैरा टीचर शिक्षा मित्र वॉज इंट्रोड्यूस शिक्षा मित्रों का जो कॉन्सेप्ट था ये डी पी ई पी के साथ ही आया और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करने की तरफ भी हमने तभी कोशिशें शुरू की इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने हमने ब्लॉक लेवल पर भी बात की थी फ्यू रिमेंबर वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट इन इन अवर प्रीवियस सेशन ऑल्सो कि ब्लॉक लेवल मैनेजमेंट क्या होती है और वो किस तरह से मैनेज करती है So, decentralization of educational administration is result of DPEP and SSA. These were the new trends in Indian school education. In fact, uh, one of the objectives of SSA was that um, uh, as to control, we should be rolling out almost state unions territories.

इनको सर्वशिक्षा अभियान की वजह से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने एक्सेप्ट किया और आ, हर स्टेट में इनको किसी न किसी रूप में किसी अलग नाम से हो सकता है परंतु इनकी एसोसिएशन बनाई गई कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई क्योंकि ये माना गया कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वह मस्ट है सर्वशिक्षा अभियान ये एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका बेसिक एम जो था

कि डिसेंट्राइज डिसीजन मेकिंग जरूर होनी चाहिए इसीलिए जो जिन कमेटीज की हमने बात की वी सी टी एस डी एम सी ये सब बनाने का एम टी ए बनाने का कारण यही था क्योंकि ये डिसाइड किया और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए ये, ये दोनों चीजें भी मैडम इंटरलिंक्ड है जी सर अगर आप डिस करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति पर आधारित नहीं रहे बिल्कुल है ना बिल्कुल

उनको मतलब मेजर रोल देंगे इसलिए शिक्षा अभियान में जो मेजर रोल है वो सेंटर में न के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और स्कूल के पास काफी अथॉरिटी भी है अगर देखा जाए तो।, तो क्योंकि स्कूल के लेवल पे ही जब पूरा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है तो काफी सारे डिसीजन स्कूल कम्युनिटी की हेल्प से ले सकते अभी है। मैं सोच रहा था कि सपोज किसी इंटीरियर इलाके में स्कूल खुलता है जी। तो क्या क्या जरूरतें होती हैं पहले अगर हम जरूरतों को समझ लें तब हमें समझ में आएगा कि सोसाइटी का रोल कैसे शुरू होता है हाँ जी स्कूल अगर हमने खोल लिया प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिए टीचर से अपॉइंट कर दिए ये तो सरकार ने कर दिया लेकिन बच्चे बच्चे तो बच्चे होंगे बच्चे लोकल होंगे लाएगा कौन लाएगा कौन बच्चों को वहाँ तक ले आना फिर उसके बाद स्कूल की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना टीचर्स हैं प्रिंसिपल हैं उनके रहने की व्यवस्था करना या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना इवन हो सकता है कि खाने पीने की व्यवस्था करना बहुत से ऐसे भी जगह हैं तो वही मैं सोच रहा था कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है बिल्कुल स्कूल का की जो पूरी निर्माण प्रक्रिया है हर स्टेज पे समाज जुड़ा हुआ है बिल्कुल सही मैं सर आपको बताना चाहूँगी कि एक स्टेट लेवल पे प्रिंसिपल्स के इंटरव्यूज लेने में स्टेट थोड़ी बड़ी थी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उसमें जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारा ध्यान जो हम एज ए बोर्ड हमें बोला गया था कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी ये व्यक्ति मतलब जो भी व्यक्ति को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्योंकि नेचुरली वो जो थी वो ट्राइबल एरियाज में मैक्सिमम स्कूल्स थे hmm. और उनको रन करना था कि hmm. आप व्यक्ति का जब चयन करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो वहाँ रच बस जाए hmm. ये ना हो कि वो भाग खड़ा हो तो हमने देखा कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे hmm. जिनको हमने सेलेक्ट किया वो जुझारू थे hmm. यानी कि और वो उस कम्युनिटी को जानते भी थे तभी सिलेक्शन का पैरामीटर ही हमारा यही था क्योंकि hmm. होता क्या है कि अगर आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो आप स्कूल नहीं चलेगा hmm. ना बच्चे आएंगे ना शिक्षा होगी और बल्कि आप भी परेशान रहेंगे समुदाय भी परेशान रहेगा और बच्चा तो बेचारा खाली हाथ जाएगा ही जाएगा mm -hmm. फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि सेंटर में स्टेट लेवल पे जो भी हेडशिप है वो फिर कहेगा फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू करते हैं तो प्रक्रिया ही चलती रहेगी mm -hmm. और असल में कुछ होगा नहीं mm -hmm. आ, यही कारण है कि सर्व शिक्षा अभियान क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान का बेसिक पर्पज तो यही था कि हम हर एक बच्चे को स्कूल तक ले जाए और स्कूल में उसके रहने दें क्योंकि नेचुरली जैसे कल भी हमारी बात हुई थी चर्चा हुई थी तो हमने बच्चे को नौकरी के लिए तो तैयार नहीं करना था हमने बच्चे को तैयार करना था कि उसकी शिक्षा इतनी अच्छी हो जाए कि वो जो भी करे जाके वो बेहतर रूप से कर पाए तो उसमें अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो एक तो बच्चा स्कूल नहीं आएगा क्योंकि हम जिन बच्चों की यहाँ बात कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं कि जिनके माँ बाप जो है वो जनरली ना तो एजुकेशन लेवल है नाइन्टी नाइन परसेंट वो लोग होते हैं सर फर्स्ट लेवल बच्चा होता है कि फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोयर है क्योंकि hmm. तो माता पिता भी नहीं गए होते उनसे पहले वाली जनरेशन भी स्कूल नहीं गई होती तो उन्हें शिक्षा का अर्थ क्या है या शिक्षा से क्या मिलने वाला है यही नहीं पता होता फिर उसके बाद उस समुदाय के पास जो स्कूल तक आता है उसके पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं और ना ही समय होता है क्योंकि तो मैक्सिमम जो क्लास होती है लेबर क्लास होती है इनफैक्ट काफ़ी सारी रिसर्च स्टडीज़ जो हमने पढ़ी उसमें ये देखा कि मैक्सिमम जो क्लास है वो डे टू डे अर्निंग पर जी रही है क्योंकि डे टू डे अर्निंग पर जी रही है तो नेचुरली स्कूल तक जाना या एजुकेशन में कुछ कंट्रीब्यूट करना उनके हाथ में ही नहीं है नहीं। ना उनकी इंटेलिजेंस है ना उनका लेवल है ना वो ट्रेंड है ना उनके पास समय है ये सारी चीज़ें नहीं हैं जब हमने शिक्षा अभियान की बात की तो हमने ये लेकर चले कि हमारा जो समाज है वो होमिजोनियस है वो सारा पार्टिसिपेट करेगा आज हम ये भी चर्चा करेंगे सर थोड़ी सी स्टडीज़ मैंने भी की है और डॉक्टर साहब ने भी की है मैक्सिमम स्टडीज़ ये कहती हैं कि भाई फेलियर का कारण ये है कि हमने एक्सेप्ट किया कि होमोजीनियस है सोसाइटी सोसाइटी होमोजीनियस नहीं है सोसाइटी में पॉलिटिकल वेरिएशंस भी हैं इकोनॉमिक वेरिएशंस भी हैं सोशल वेरिएशंस भी हैं और जो सोशो इकोनॉमिक वेरिएशंस हैं वो साथ लाकर किसी को खड़ा होने ही नहीं देती और उस क्लास वेरिएशन की वजह से ही होता ये है कि हम कितनी ही कोशिश कर लें कि ड्रॉप आउट रेट भी हमारा कंट्रोल में रहे और स्कूल तक बच्चा जाए तो स्कूल तक बना रहे ऐसा होता नहीं क्योंकि समाज पूरा स्ट्रेस नहीं करता उस चीज़ पे तो ये कुछ परेशानियाँ आई सर्वशिक्षा अभियान लागू होने के बाद उस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन फ़िलहाल हम चर्चा करते हैं एच के इंटरवेंशन क्या होते हैं शिक्षा अभियान क्या सोच के एच ने लॉन्च किया क्या एक्सपेक्टेशन्स है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले तो जैसे हमने चर्चा की कि एस एस ए में कॉम्युनिटी पार्टिसिपेशन मस्ट है तो कॉम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस चीज़ में होगा वर्क प्लान में होगा बजट में होगा यानी अंडर एस एस एनुअल वर्क प्लान एंड बजट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रोसेस बाय कॉम्युनिटीज़ वे आर द टेक इन टू अकाउंट द लोकल नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट यानी कि पूरी जो कॉम्युनिटी है वही साथ में आके प्लानिंग भी करेगी बजट एलोकेशन भी करेगी दैट मीन्स कि जो सरकारी अनुदान आया है उसका फैसला लेने में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मस्ट है उसके अलावा जो एस एस में ध्यान दिया गया वो दिया, दिया, दिया गया कि जो स्कूल और एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट है एचआरडी के जो अंडर आता है कि एस एस ए को इम्प्लीमेंट करना मस्ट है और उसमें इंश्योर करना होगा कि जो पंचायत है वो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाए एक्टिव पार्टिसिपेशन वो किस तरह से दिखाएगी वो एस एस ओ को मॉनिटर करके और सुपरवाइज करके तो दो तरह से हमने उसका पार्टिसिपेशन ले लिया एक तो हमने कहा कि जो हमारा स्कूल कमेटी होगी उसका कंप्लीट पार्टिसिपेशन होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमने स्कूल कमेटी के थ्रू रख लिया और साथ में वी विलेज एजुकेशन जो कमिटीज़ होती है उनके थ्रू हमने ये कहा कि पंचायत उस पर सुपरविजन का रोल अदा करेगी यानी डबल लेवल पे सुपरविजन हमने इंश्योर किया पार्टिसिपेशन के लिए अब हम ये बात करते हैं कि ये आर टी एक्ट ने इसमें इस क्या योगदान दिया आर टी एक्ट में इट वॉज अ प्रोविजन टू कॉन्स्टिट्यूट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एस एम विच शुड कॉम्प्राइज पेरेंट्स एंड लोकल अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ एस एम सीज आर टू कॉम्प्राइज पेरेंट्स एडिशनली proportionate representation is to be given to disadvantaged group and weaker section of the society and they are to have minimum 50% representation of women ye bahut important point hai kyunki isme humne ye ensure karne ke liye ki disadvantaged group hamara bahar na reh jaye disadvantaged group pura participate करे इस चीज को ensure करने के लिए हमने ये तय किया कि 75 परसेंट जो है वो पेरेंट्स होंगे और बाकी जो ट्वेंटी फाइव परसेंट भी बचता है उसमें भी जो रिप्रेजेंटेशन वो डिसएडवांटेज ग्रुप की भी हमें रखनी होगी और साथ में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की भी रखनी होगी एंड मिनिमम फिफ्टी परसेंट इन्श्योर करनी थी कि फिफ्टी परसेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो वुमेन की होनी चाहिए इसका मतलब अगर कागज़ी तौर पर बात करें तो हमने आर में एक्सेप्ट कर लिया कि एजुकेशन में सेंसिटिविटी इज़ हायर ऑन द हायर साइड वेन इट कम्स टू वुमेन सो फिफ्टी परसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन वॉज इन्श्योर्ड साथ में हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको साथ में लाने के लिए उनकी भागीदारी जब तक हम आ, आ, फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम आ, आ, शिक्षा को सबके बीच में नहीं ला पाएंगे और सबको शिक्षित हम नहीं कर पाएंगे स्कूल एजुकेशन हमारा फेलियर हो जाएगा जो आरटी एक्ट है वो कहता है कि आ, पार्टिसिपेशन के बारे में कि एस एम सी इन द स्कूल इज टू असाइन टू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स इट इज़ ऑल्सो टास्क इज प्रिपेयरिंग द स्कूल डिवेलपमेंट प्लान स्कूल डिवेलपमेंट प्लान यानी कि जैसे कल भी हमने चर्चा की थी कि अगर कोई कमरा बनाना है और हेड मास्टर को लगता है कि कमरे की ज़रूरत है या टॉयलेट की ज़रूरत है तो वो ये निर्णय लेने के लिए उसे एस बुलानी होगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बुलानी होगी और ये तय करना होगा कि ग्रांट्स कितने हैं किसके और उनको किस तरह से यूज़ करें कि जो ज़रूरतें हैं स्कूल की पूरी हो अगर सभी लोग इस पर सहमत होंगे तभी वह आगे जा सकता है नहीं तो वह आगे नहीं जा सकता यानी सहमति पाना बहुत ज़रूरी है स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है दैट इज़ दैट इज़ अ बेसिस फॉर द प्लान्स एंड ग्रांट्स टू बी मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वॉट इज़ क्रिटिकल इन दैट इज द स्ट्रक्चर लाइक द मेजोरिटी ऑफ प्री आर टी एक्ट स्ट्रक्चर इज अगल एंटिटी एंड इट एज अ डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द नेशन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इस स्ट्रक जो आर टी एक्ट में है जो आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है स्कूल डिवेलपमेंट प्लान जो बनाती है उनकी लीगल एस्पेक्ट है और ये ऑल ओवर द इंडिया यूनिफॉर्म है यानी ये सोशल एंटिटी नहीं है इसकी एक लीगल एंटिटी है लीगल एंटिटी में जब समाज जुड़ेगा जी। तो उसे ये भी लगेगा कि हमारे पास ये अधिकार है हाँ। केवल आ, ऐसा नहीं है कि बातचीत के लिए जा रहे हैं स्कूल में बिल्कुल बल्कि वो निर्णय ले सकते, है। सकते हैं हाँ तो ये उनको एक सम्मान भी दे रहा है और सहभागिता भी कंफर्म कर रहा है अगर आप नहीं दोगे तो दैट इज आल्सो गोइंग टू भी इनिगल अगर हेडमास्टर चाहे तो ड्रा भी सकता है कि भाई क्योंकि आप पार्ट हो अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं करोगे एब्सेंट मार्क करेंगे आओगे नहीं मीटिंग्स में तो ये गलत होगा आपके लिए और हमारे लिए एक्चुअली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिवस होते हैं सर hmm. और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनरली होते हैं वो पेरेंट्स और गार्जेंस में से ही होते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा वो इंश्योर हो गया क्योंकि नेचुरली जो भी पेरेंट्स आएंगे वो किसको सेलेक्ट करेंगे जनरली उनको सेलेक्ट करेंगे कि जो कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव हो अगर जो कोई इनएक्टिव है तो हम hmm. उनको सेलेक्ट ही नहीं करते तो इसको डेमोक्रेटिक बना के इन्होंने ये भी इंश्योर किया ऑन द पेपर की जो एस है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन हो वो स्ट्रॉन्ग हो यानी कि जो भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है वो वाकई कम्युनिटी में वापस जाके भी जो भी एजुकेशन एजेंडाज है उनको भी सेटिस्फाई कर बल्कि ऐसे लोग होते होंगे जो कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं हाँ जी ये वो टू वे प्रोसेस कन्फर्म हो गया कि आप स्कूल में भी आओगे क्योंकि तो आप नेता हो तो आप कम्युनिटी के नेता हो तो आप स्कूल में आके भी अच्छा योगदान दोगे और यहाँ जो मिल रहा है आपको या जो आपको लग रहा है कि भाई ये खामी जो है ये कमी जो है आप कम्युनिटी से पूरी करवा सकते हो तो आप कम्युनिटी से भी करा सकते हो तो टू वे प्रोसेस एंश्योर किया गया है सा, मतलब सामाजिक आधार भी होता है सामाजिक आधार भी होता है सामाजिक आधार नहीं, नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी में तो इलेक्टिव नहीं होगा बंदा नहीं वही ऐसे पेरेंट ले लिया जो जिसे कोई समाज से लेना देना नहीं तो मुश्किल हो जाएगी हाँ फिर तो एस फेलियर है फिर तो आएगा ही नहीं आएंगे भी तो प्रभावशाली नहीं होंगे प्रभावशाली नहीं होंगे hmm. क्योंकि सुनवाई भी ज्यादा नहीं होगी उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटलीस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कमेटी शैल बी पेरेंट्स और गार्जियन प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन शैल बी गिवन टू द पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप एंड द वीकर सेक्शन यानी ये भी इंश्योर किया गया कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है या जो वीकर सेक्शन है उनकी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी बनी रहे क्योंकि मैक्सिमम जो पब्लिक स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो बच्चे उसमें जाते हैं वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज को बिलोंग करते हैं और बहुत कम परसेंटेज होती है जो हम कहेंगे इन्फ्लुन्शल क्लास के बच्चे हैं या जो स्ट्रांग हैं सोशो इकोनॉमिकली स्ट्रॉग है वो अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं लेकिन एक अच्छा मैंने पेपर पढ़ा था कि जहाँ पे वहाँ के डीएम हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं बच्चे को मैंने भी पढ़ा था सुन के बहुत अच्छा लगा और मतलब उनसे प्रेरित होके भेजा और उस स्कूल का पूरा काया पलट हो गया काया पलट हो ही जाएगा क्योंकि टीचर्स भी नेचुरली पढ़कर आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जो डीएम अपने बच्चे को भेज रहा है तो वो घर आने पे बच्चे से पूछेगा भी कि आप क्या पढ़ के आए आयो इसी तरह से एक अकेडमिक इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं उन्होंने भी उनसे संबंधित जो विद्यालय है उसी में पढ़ा रहे हैं वो और ये बहुत जरूरी है इस तरह के उदाहरण जो है पेश करनी चाहिए लोगों को बल्कि मेरे ख्याल से ये इंश्योर कर देना चाहिए कि जो भी सरकारी नौकरी में है वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए अगर ऐसा चाहिए, हो जाए कि जो आप बता रहे हैं उस तरह का इम्प्रेशन नहीं रहना चाहिए कि कौन पढ़ता है कहाँ है ये डिफरेंस खत्म हो जाना चाहिए पब्लिक स्कूल के पास अगर रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज की कमी इतनी नहीं है इनफैक्ट अगर हम टीचिंग क्वालिटी की बात करें तो उनके पास बेस्ट है आप यहाँ का उदाहरण जरूर दे सकते हैं दिल्ली का दिल्ली में कुछ स्कूल आदर्श स्कूल बनाए गए आदर्श स्कूल तो वो पूरे देश के लिए भी ऐसे आदर्श स्कूल बनाने की प्रक्रिया हो सकती है मेरे एक दोस्त हैं जो प्रिंसिपल हैं ऐसे आदर्श स्कूल के आधे घंटे पहले वो पहुँच जाते हैं स्कूल में और दो तीन घंटे बाद निकलते हैं कहते हैं मैं इंश्योर करके चलता हूँ ये चीज़ कि टीचर ने हर रोज़ क्या कराया मैं खाली कैमरे तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मेरा रिजल्ट मैंने कहा रिज़ल्ट का मतलब क्या हंड्रेड परसेंट रिज़ल्ट तो आ ही जाता है आधा स्कूल कहते हैं हंड्रेड परसेंट रिजल्ट से मुझे मतलब नहीं है और वो हमारा क्राइटेरिया भी नहीं है हमारा क्राइटेरिया ये कि हमारा एल्यूमिनस कहाँ जाएगा अगर हमारा प्रस्टीज़ इंस्टीट्यूशन में एल्युमिनस जाता है हमें तो लगता है कि हम आदर्श स्कूल के हिस्से हैं और सबसे अच्छी बात मैंने देखी कि आदर्श स्कूल में दिल्ली में जो रिक्रूटमेंट भी हुई है जैसे उनको भी अगर भेजा गया तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छी तरह खंगाला गया उसके बाद ये भी देखा गया कि उसमें कितनी जो भी व्यक्ति भेजा जा रहा है चाहे वो टीचर हो चाहे वो प्रिंसिपल हो कि वो कितने कमिटेड है अब अगर वो अपने एजुकेशन की तरफ कमिटेड है तो उन्हीं लोगों को वहां भेजा भी गया तो अगर हम आदर्श स्कूल में जैसा आपने इसी तरह से मैं यूपी का भी उदाहरण दूंगा यूपी में भी काफी काफ़ी परिचित लोग हैं वहाँ पे पूरा सिस्टम जैसे पब्लिक स्कूलों में होता है उस तरह का पूरा एम्प्लाई किया गया है मतलब ऑनलाइन अटेंडेंस से लेकर सब कुछ पेरेंट्स को तुरंत इन्फॉर्मेशन बच्चा नहीं आया है तो सारी जो लेटेस्ट आईसीटी टेक्निक्स होती हैं अच्छा अप्लाई कर रहे हैं वो

अगर इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सर जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि काफ़ी सारे अच्छे सरकारी स्कूल थे जिनमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता था लोग बार बार टेस्ट दिलाते थे अपने बच्चे को चौथी में भी पाँचवीं में भी छठी में भी ताकि उस स्कूलों तक पहुँच जाए अब वो संख्या तो है लेकिन बहुत लिमिटेड हो गई है उसे सरकार प्रयास कर रही है उसके लिए और लेकिन समाज की भी भागीदारी है जब हम बात कर रहे हैं ना अभी तो जब समाज उसको मान्यता देगा क्योंकि शिक्षकों में कोई कमी नहीं शिक्षक तो क्वालिफाइड शिक्षक हर जगह आते हैं आप उनको अगर इन्वॉर्वमेंट देते हैं और प्रतिष्ठा देते हैं कि सरकारी स्कूल मतलब ब्रांड है हमारा वो तो निश्चित रूप से संख्या भी बढ़ेगी और उसका जो एक वो लेबल लगा हुआ वो भी हट जाएगा शायद लेब, लेबल होने के दो कारण हैं एक तो ये है पैसिविटी आ जाती है जैसे हम अगर जब शहर में बैठे तो शहर में तो थोड़ा सा वही मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है तो टीचर एक्टिव रहता है लेकिन अगर हम गाँव की दूर दराज की बात करें तो वहाँ पर टीचर्स में बहुत पैसिविटी आ जाती है तो मॉनिटरिंग करिए मॉनिटरिंग करने का एक्चुअली वही है जो मॉनिटरिंग करें उसको या तो सख्त हो वो इंडिविजुअली सख्त हो या फिर साथ में हम पॉलिसी और लीगल पर्सपेक्टिव से इंश्योर करें कि सख्ती हो और अगर सख्ती नहीं होगी तो नेचुरली अटेंडेंस भी नहीं होगी और दूसरी चीज़ ये है कि भावना कैसे बनेगी भावना बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए सर एक तो टीचर का पार्टिसिपेशन चाहिए जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था एक बार कि जो मेरी पीएचडी थी वो दैट वाज टीचर्स के पार्टिसिपेशन पे थी इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के मैनेजमेंट में और मैंने ये पाया था कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स कंपैरेटिवली लेस डिससेटिस्फाइड है देन गवर्नमेंट स्कूल क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर थी सेटिसफैक्शन के ऊपर नहीं तो क्योंकि वो तनख्वाह उनकी बेटर थी क्योंकि तो उनको ये लगता था कि हमारा कहीं कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है हमें आ, ऐसे समझा जाता है कि तुम आओ क्लास में जाओ और ये काम करो और चले जाओ और हमारा जो आ, आलंकन है हमारी जो पर्सनैलिटी का आलंकन है वो रिजल्ट से किया जाता है दैट्स ऑल बाकी और किसी भी चीज़ में हमारी भागीदारी नहीं है तो भागीदारी बनाना बहुत ज़रूरी है वो भागीदारी इंश्योर करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और एक वॉचफुलनेस होनी चाहिए और नेचुरली uh, सेंसिटाइजेशन भी होनी चाहिए क्योंकि अब गवर्नेंस uh, तो हर एक कोने में नहीं पहुंच सकती तो वॉचफुलनेस कौन करेगा कम्युनिटी करेगी और पार्टिसिपेशन कौन इंश्योर करेगा वो भी कम्युनिटी करेगी क्योंकि टीचर्स अल्टीमेटली आते तो कम्युनिटी में से हैं तो इसीलिए यही कारण है कि आर टी एक्ट जब आया है, तो ये कहा गया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर हम इंश्योर कर ले तो एजुकेशन सिस्टम अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में भी इस चीज़ को ध्यान दिया गया कि वीकर सेक्शन और वुमेन और साथ में डिसएडवांटेज ग्रुप इन तीनों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो स्कूल कमेटीज में ये इस पर हम और भी बातचीत करेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और शिक्षार्थियों इसके बारे में और चर्चा करेंगे ब्रेक के डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस धय में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वागदा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस आरोप टीवी आरोप पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वक्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वागद चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच, पहुँच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा करने राह को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने अपना स्वयं जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने काशित करने रहो तो आलोकित करने के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत है शिक्षार्थियों ब्रेक के पहले आपने देखा कि कम्युनिटी किस तरह से विद्यालय को प्रभावित करती है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और मैडम डॉक्टर रेनू बता रही हैं कि किस तरह से आरटी टी इम्प्लीमेंट हुआ और आरटी ने किस तरह से समाज की भागीदारीता के बारे में समाज को विद्यालय से जोड़ने के लिए कई तरह के नियम बनाए हैं तो मैडम मैं चाहूँगा कि उसके बारे में चर्चा आगे करें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मित्रों हम बात कर रहे थे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के क्या प्रोविजन्स होते हैं फर्स्ट इज की इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसएमसी टू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द स्कूल एंड इट इज एस एम प्रिपेयर एंड रिकमेंड स्कूल डिवेलपमेंट प्लान SMC has to monitor the utilization of the grants received from the appropriate government or local authority or any other source. And fourth and most importantly, community, uh, part, for ensuring community pa participation, SMC has to perform such other functions yeah. as may be prescribed in Section 22. Every school management committee constituted under ज मे बी प्रेजेंटिड टू द स्कूल डिवेलपमेंट प्लान इन सच ए मैनर दैट इट शिड बी प्रजेंटिड टू फॉर द ग्रांट्स एंड फॉर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी यानी क्योंकि प्रोविजन है और प्रोविजन में कुछ आर्टिकल्स हैं आर्टिकल हम सेक्शन ट्वेंटी टू की अगर बात करते हैं तो उसमें यह है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ही डेवलपमेंट प्लान बनाना है और उसी के ही हस्ताक्षर के बाद ही वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है वो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के पास जाएगा अप्रूवल के लिए साथ में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ड्यूटी है ये ऑब्जर्व करे कि स्कूल किस तरह से चल रहा है यानी उसे मॉनिटर करे अब मॉनिटर वो किस तरह से कर सकती है मॉनिटर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आ सकती है स्कूल में और क्लासरूम डिस्टर्ब किए बिना वो स्कूल को ऑब्जर्व भी कर सकती है और रेगुलर आना चाहे तो रेगुलर आ सकती है डेली आना चाहे तो डेली भी आ सकती है साथ में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ही रिकमेंड करना है आ, कि कैसे ग्रांट्स को यूटिलाइज़ करें और उन्होंने ही रिकमेंड करना है कि जो भी ग्रांट्स आए हैं वो किसी भी सोर्स से आए हों यानी लोकल अथॉरिटी से आए हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आए हों उनको किस तरह से यूटिलाइज करें और वही सर्टिफाई करते हैं कि यूटिलाइजेशन ठीक हुआ कि नहीं हमारे साथ डॉक्टर संगीत भी हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तो हमने बात की अब मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब बात बताए हमें वीसी के बारे में क्योंकि इनकी रिसर्च वी सी के बारे में है, विलेज एजुकेशन कमेटी के बारे में जी मैं विलेज एजुकेशन कमेटी मेरा रिसर्च का टॉपिक रहा है एम में तो उसके रिगार्डिंग गाँव में जाने का मौका मिला और हमने देखा जैसे कई गाँव में विलेज कमेटी बड़ी एक्टिव थी उनको अच्छे से पता था जैसे हम जाके मिलते थे कि हम आपसे बात करने आए हैं कि विलेज कमेटी के, के क्या रोल हैं तो वो बाकायदा हमें लेकर जाते थे खुद अपना उन, अपना पार्टिसिपेशन दिखाया एक गांव का तो मुझे याद है कि वो पूरा जो गांव की विलेज कमेटी थी उन्होंने स्कूल को अंदर से डेकोरेशन का बड़ा उन्होंने काम किया था वो इस बात के लिए बड़ा मतलब खुश भी थे कि जब बच्चे हमें काम करते देखते स्कूल में तो स्कूल के बाद भी तो उनको और मोटिवेशन मिलता है कि यानी एक ऐसी जगह है विद्यालय जहाँ पर हमारा अपना एक समुदाय भी साथ में भागीदारी करता है एनवायरमेंट को लेकर स्कूल की दीवारों पर बढ़िया उन्होंने कोटेशन लगा रखी थी संस्कृत की हिंदी की तो विलेज कमेटी ने और जहाँ तक फंडिंग की बात थी तो विलेज कमेटी के पास आइडियाज़ थे कई गाँव में तो बड़ा एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला और इस पूरे अगर मैं पैरामीटर पर पे बात करूं कि विलेज कमेटी के जो पावर्स है या जिस तरह वो बनाई गई है प्रिंसिपल के पास जाकर बात की तो विलेज कमेटी में जहाँ पर भी एक्टिव लोग थे जैसे मैम ने पहले भी बताया कि जहाँ अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर सुन के गया है जो थोड़ा समाज में भी एक्टिव है जिसकी थोड़ी सी समाज में जिसकी लोग मानते भी हैं जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है एजुकेशन के मामले में या जिसका अपना समुदाय के प्रति कुछ जिम्मेदारी है जहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति हमें देखने को मिले वहाँ पर स्कूल में भागीदारी उस विलेज कमेटी की बढ़िया मिली सबसे अच्छी बात देखने को मिली एक गांव के अंदर पता लगा कि जो स्कूल की दीवार थी बाउंड्री थी उसका जो फंड था पूरा वो विलेज कमेटी ने अपने ही इनिशिएटिव से बिना किसी सहायता के अपने आप जुटाया वो सिर्फ ये चाहते थे कि बच्चों को ये ना लगे कहीं पर भी कि हमारा जो स्कूल या जिसमें भी हम पढ़ने जाते हैं कि वो कुछ ऐसी जगह है जिसको लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो विलेज कमेटी ने इतना बढ़िया काम किया कई गाँव में एक एक गांव में हमें तीन बार उन्होंने बुलाया पूरे गांव में उन्होंने अलग अलग एक जोन टाइप डिवाइड कर रखे थे कि हमारी विलेज कमेटी की जो मीटिंग रहती है हम इस बात की बड़ी बड़ा ध्यान रखते हैं कि वो किसी एक ही मोहल्ले तक सीमित न रह जाए हर गांव का बच्चा ये देखे कि अच्छा ये जो अंकल सुबह काम करने आते हैं स्कूल में या हमसे पूछते हैं स्कूल की दिक्कतें ये हमारे समुदाय में स्कूल को लेकर एक ऐसी भावना रखते हैं कि आप जिस जगह पर जाते हो वो दिन प्रतिदिन तरक्की करें और ये विलेज कमेटी जितनी एक्टिव थी उतना ही पार्टिसिपेशन और गाँव का जो स्कूल का एनवायरमेंट था वो हमें बढ़िया देखने को मिला इवन एक विलेज कमेटी ने तो ये यह यहाँ तक बताया कि जो बच्चे हम हमने बच्चों को बोल रखा है कि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताइए बच्चे बताते थे वॉशरूम की दिक्कत कई जगह मिली तो कई गाँव खुद से इनिशिएटिव ले रहे थे बजाय उस प्रोसेस में जाने के कि मैं इसका कोई एप्लीकेशन लगाए विलेज कमेटी के अंदर क्रेज़ देखने को मिला और जहाँ भी एक्टिव पार्टिसिपेशन था तो नो डाउट उसका आउटपुट स्कूल के अंदर जाकर दिखता था इसमें विलेज कमेटीज़ में कौन कौन से लोग जनरली शामिल सर इसमें जनरली जो मेम्बर पंचायत गाँव के थे जो सरपंच थे जो सीनियर टीचर्स और प्रिंसिपल इनसे बनाई गई थी कमेटी और जो पंच या सरपंच था तो वो जाहिर सी बात थी कि वो चुन के आया था इलेक्शन था बाई इलेक्शन वो, वो वहाँ पर आया था तो उसकी एक अपनी जो रुतबा था अपना उसका जो एक एरिया में एक अपना होल्ड था उसका बड़ा फ़ायदा मिलता था स्कूल में क्योंकि तो उसकी दो लोग मानते थे और गांव में एक थोड़ा सा ये रीति रिवाज भी था कि ये थोड़ा मौजूद आदमी है अगर इसने बात बोली है तो चलो हम भी इसके साथ चलते हैं अगर ये वहाँ पर पेड़ पौधे लेके जा रहे हैं ये अगर बता रहा है कि पेंटिंग होनी चाहिए बच्चों के स्कूल का एनवायरमेंट बढ़िया होना चाहिए तो दस लोग और जुड़ते थे उससे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि जैसे हम डिसएडवांटेज ग्रुप या वीकर की बात करते हैं तो अक्सर जैसे मैंने कुछ रिसर्च स्टडीज देखी और मैक्सिमम में ये पाया कि हाइड्रोजीनिटी होने की वजह से कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं ना दबंगी होती है स्कूल मैनेजमेंट में भी और स्कूल वर्किंग में भी जी, उसकी वजह से कुछ ग्रुप्स जो हैं जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप है पर्टिकुलरली हर एक स्टेट में मैंने हरियाणा की भी स्टडी पढ़ी और अच्छे अच्छे अकेडमिशन्स की पढ़ी और सब में एक ही चीज़ निकल कर आई कि आ, कुछ लोग सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो बच्चे भी इतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते एवेन्यूज़ क्योंकि उनको वो एज ए स्टूडेंट नहीं समझा जाता जी है ना उनको मतलब आ, एडवांटेज जो ग्रुप है वो उनको परेशान भी करता है और साथ में उनकी तरफ टीचर भी ध्यान दे देता तो क्या आपकी स्टडी में भी ऐसा कुछ सामने आया जी मैम हमने जो इसका मेन कारण देखा कहीं कहीं था वो डिपेंड करता था हेड कैसा है स्कूल में अगर वो थोड़े एक्टिव थे वो इन चीजों पर ध्यान देते थे और दबंगई की जहाँ तक बात थी अगर वो स्कूल की बाउंड्री के बाहर जो भी रहे उसको अगर वो अंदर नहीं एंटर करने देते थे तो ऐसा कुछ नहीं था लेकिन कहीं कहीं ऐसा था कि कुछ बच्चे थे सोसाइटी में जो सोशल उनका स्टेटस इतना अच्छा नहीं था तो उनके तरफ ध्यान कम था मैं ये नहीं कहता दूँगा कि बिल्कुल भी नहीं था थोड़ा सा कम था वो डिपेंड करता था कि हेड किस तरह डील कर रहे हैं इन चीज़ों को विलेज कमेटी अगर अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ रही है तो वो तो फिर नहीं हो पाता था लेकिन अगर विलेज कमेटी अंदर आकर सिर्फ एक काम कर रही है एक ग्रुप की तरह काम करती है कि बाहर वो जैसा भी हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन है वो सिर्फ बाउंड्री के बाहर रहे अंदर स्कूल गांव का है और गांव के अंदर ये बात बड़ी अच्छी देखने को मिली कि वो लोग ये समझते थे कि स्कूल में तो हर किसी का बच्चा जा रहा है चाहे वो किसी भी कास्ट का है या किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियन वाले का है अंदर जाकर वो सब एक क्लास में बैठे हैं तो क्यों कई गांव तो ऐसे थे जिन्होंने ज़मीन देने की जहाँ तक बात आती थी तो स्कूल के नाम पर वो बिल्कुल डिबेट से हट जाती थी चीज़ें कि स्कूल की बात है तो फिर आप लीजिए अगर कोई और अगर वहाँ पर कुछ बनाएंगे तो फिर वो पॉलिटिकल ओपिनियन भले आ जाए लेकिन स्कूल के मामले में एक होने का बड़ा उनके अंदर होता कि स्कूल तो सबके लिए बराबर है अगर गाँव में लड़कियाँ ट्वेल्थ तक अगर स्कूल अपग्रेड हो जाएगा ज़मीन अगर हमें देनी पड़ती है उसके लिए तो हमारा भी सबका फायदा है गाँव की लड़कियों को यहीं पढ़ने को मिलेगा और वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय किसी दूसरे गाँव में जाने के तो ऐसा नहीं था कि कुछ लोग नो डाउट उन्नीस इक्कीस चलता है लेकिन ज्यादातर लोग पॉजिटिव थे स्कूल एनवायरनमेंट को लेकर अच्छा महिलाओं की पार्टिसिपेशन कितनी थी महिला कितना स्कूल में पार्टिसिपेट कर जहाँ तक, तक समय में हमारी स्टडी में महिलाओं का थोड़ा कम हमें देखने को मिला वो शायद आप ये ये भी देख सकते हैं कि जो गांव हमने सेलेक्ट किए थे उनमें में मेंबर पंचायत में हो सकता है महिलाएं की इतनी भागीदारी ना रही हो तो इस वजह से हमें ऐसा देखने को मिला हो लेकिन जैसे अभी हम बात करें मिड डे मील पे या इन सब में तो महिलाएं का अभी अब गांव से स्कूल के दायरे में जब वो जाते हैं तो वो समझते हैं कि अच्छा यहाँ पर हमारा बच्चा भी आएगा या आ रहा है या आगे हमारी दूसरी जनरेशन भी यहाँ पर आएगी तो भागीदारी बड़ी है नो डाउट स्पीड हम डिबेट कर सकते हैं कम है या ज्यादा है लेकिन भागीदारी हुई है महिलाओं की भी और डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ये चीज़ें क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टडी मैंने देखी उसमें ये आया था खुलकर कि जहाँ पे औरतों की भागीदारी ज्यादा थी और ये भी पाया गया कि पेट्रीआरकल सर्कल होने की वजह से जो वुमेन पार्टिसिपेशन थी वो कम्पेटिवली लोअर साइड पे थी जी उसके बावजूद भी जहाँ भी औरतों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी वहाँ पे एजुकेशन भी बेटर थी क्योंकि इस घर में जाने के बाद बच्चे को मॉनिटर करने का काम भी महिला ही करती है और बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट सामने आया जो दो स्टडीज़ मैंने देखी दोनों में ये देखा कि डिस्पाइट ऑल शॉर्टकमिंग्स एंड ऑल सोशल प्रॉब्लम्स वुमेन वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन वर्किंग ऑफ स्कूल वीसी तो थोड़ा सा हायर लेवल हो गया जी। लेकिन हां एसएमसीज में जो भी हिस्सेदारी औरतों को मिली तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाई इसमें एक उदाहरण बड़ा अच्छा वो देखा मैंने मीडिया के थ्रू कि दो बहनों ने बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो प्री स्कूल का एक घर में ही उस तरह का माहौल बना दिया अरे वाह तैयार करते थे वो जी। करती हैं और बच्चों को मतलब उत्साहित करना कि आप पढ़ो पढ़ने से क्या फ़ायदा है छोटे छोटे बच्चों को बताना ताकि वो हिचके नहीं जाने में बड़े स्कूल में तो मुझे लगा कि बताइए इस तरह से भी कर सकता है कोई क्योंकि तो उनको महसूस हुआ बहुत कठिनाई से उन लोगों ने पढ़ाई की थी तो उनको इस बात का भान था कि शुरू में दिक्कत होती है ज़्यादा जी अगर बच्चे में एक रुचि जगा दी स्कूल जाने की आदत ही डाल दी आदत डाल दी तो वही महत्वपूर्ण तो हो जाता है तो इस तरह की पहल वही आप सामाजिक भागीदारी की कह रही हैं इसके कितने रूप हो सकते हैं अनगिनत हो सकते हैं, नहीं। 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 हो सकते हैं। और सर सारी रिसर्च स्टडीज ने ये दिखाया कि वुमेन वांट्स टू पार्टिसिपेट और औरतें ज्यादा से ज्यादा करना भी चाहती हैं कि हम किसी तरह से एजुकेशन में जितना भी इनपुट दे सकते हैं दें आ, अगर हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें तो लोग जुम्बिश हुआ डी पी ई पी हुआ या सर्वशिक्षा अभियान हुआ सभी में एसएमसी के थ्रू या फिर स्कूल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के लेके ज़ोर दिया गया और जोर देने का कारण क्या था कम्युनिटी किस तरह से उसमें इंडल्ज होने के बाद क्या क्या दे सकती है सोसाइटी को इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है तो क्या क्या दे सकती है लैंग्वेज पर्टिकुलरली हम लैंग्वेज की बात करें अगर लैंग्वेज घर में जो बोली जाए और जो स्कूल में बोली जाए अगर वो कॉमन हो और वो स्ट्रेंथेंड हो तो बच्चा और निखर के आएगा सिमिलरली मैथमेटिकल एबिलिटी अगर घर में वो प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस करता है जो कि वो स्कूल में कॉन्सेपचुअली सीख के आता है जैसे कल भी चर्चा हो रही थी कि टेबल सिखाए जो हमारे साथ आई थी कल वक्त आपको याद होगा कि वो बता रही थी कि उन्होंने जो टेबल सिखाए वो गा गा के सिखाए तो जब बच्चे गा गा के टेबल सीखे तो माँ भी योगदान दे सकती है घर में क्योंकि उसे बेशक टेबल्स ना आए लेकिन कम से कम गाना तो हर एक को आता है पोएम एक को अपील करती है तो नेचुरली वो अच्छा योगदान भी दे सकती है उसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा तो रिसोर्सेज़ तो होंगे ही जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर वी ने कहीं देखा कि ये ये चीज़ की ज़रूरत है तो उसने उस चीज़ को पूरी करने की कोशिश की बच्चों से उन्होंने पूछा कि क्या ज़रूरत है स्कूल में क्या होना चाहिए अगर टेबल टूटे हुए हैं या फिर कुर्सी की हालत ठीक नहीं है या फिर कहीं पर टॉयलेट की ज़रूरत है या पंखे नहीं हैं क्लास में तो इस सब चीज़ों का ध्यान कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है तो वो दे सकती है उसके अलावा जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो एक और जगह इम्पोर्टेंट है कि लर्निंग टीचिंग लर्निंग मटीरियल Teaching learning material में कैसे community योगदान कर सकती है थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें जी जी मैं इसमें एक मुझे एक और अपना एक याद आ गया उसी रिसर्च के टाइम पर हम एक स्कूल में गए तो उन, उन बच्चों से हमने बात की कि आप विलेज कमेटी जानते हैं कि क्या रहती है क्या वो बोले हाँ एक अंकल है वो आते हैं तो क्या हाँ. योगदान दिया आपके लिए तो फिर पता लगा कि उनके मैथ्स के टीचर को लेकर उनको थोड़ा था कि हमें और एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए मतलब okay. तो जितना हमें मिलता है ये पीरियड या लेक्चर में वो उतना कम पड़ता है तो उन्होंने बात करके बाकायदा और जो गांव के जो बच्चे जिन्होंने एमएससी मैथ्स कर रखा था या जो और उस सब्जेक्ट के थे उनके लिए अरेंजमेंट कराए अरे कि इनको आप पढ़ाइए कोई बात नहीं जितना भी आपका बनेगा ट्यूशन का वो हम सब मिलकर कर लेंगे पर आप इन्हें पढ़ाइए तो ये बड़ी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था उनका तो हमें देखने को मिला कि कई लोग तो बिल्कुल इस चीज़ को इस तरह समझ कर रहते हैं कि ये स्कूल में अगर हम एक समुदाय एंटर करता है पॉजिटिव माइनस में करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है सोसाइटी के ऊपर और बच्चे मोटिवेट होते हैं उस चीज़ से कि हमें कोई भी दिक्कत होगी तो अच्छा ये एक कमेटी है ये हमारे अंकल है ये हमारे चाचा है इनके पास जाकर हम बता सकते हैं ये हमारे प्रिंसिपल सर है और अगर वो योगदान देते हैं उसका तो बड़ा अच्छा एक निखार आता है बच्चे के एप, एप्टीट्यूड में भी में भी यानी योगदान दो रूपों में दिया जा सकता है एजुकेशन मटेरियल से भी जी जी और साथ में कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, और जी, भी और तीसरा टीचिंग रिसोर्सेज के ऊपर भी जी जी आ, ये तो चर्चा हो गई अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रियालिटी ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आपने तो सारे पॉजिटिव चीज़ ही बताई कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से जो पॉजिटिविटी हुई व्य लेकिन कुछ एक्सपीरियंसिस जो रिसर्चर्स के हुए हैं Uh, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एक वायबल uh, क्यों माना गया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ अ वायबल ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन बिकॉज कम्युनिटी इज अ ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन एंड बाय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वी शैल बी असाइनिंग स्कूल मैनेजमेंट वी विल बी हेल्पिंग स्कूल मैनेजमेंट इन डीलिंग विद सर्टन क्रूशियल एस्पेक्ट्स लाइक स्कूल मैपिंग सोशल अकाउंटेबिलिटी करिकुलम डिज़ाइन रिसोर्स मोबिलाइजेशन एट्सेट्रा टू द लोकल स्टेक होल्डर्स तो जैसे अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें हमने पाया कि किस तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो रहा था चाहे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स का योगदान के रूप में हो या फिर कंस्ट्रक्शन के रूप में हो स्कूल मैपिंग में आपने कहीं देखा मेरे ख्याल से आपका प्लेन्स में था तो स्कूल मैपिंग में ज्यादातर ज्यादा नहीं उसका रहा मेन हमें जो देखने को मिला हमारा मेन फोकस भी इसी में था कि क्या स्कूल मैनेजमेंट उस टाइम एक बड़ी ये दिक्कत भी हमें पता लगी थी कि टीचर्स की अटेंडेंस की कुछ स्कूल्स में दिक्कत रहती थी जब तक की वे कमेटी एक्टिव नहीं हुई ज्यादा तो इनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और खासकर बच्चों की प्रॉब्लम्स को डील करने का मेन एरिया ले रखा था कि बच्चों से क्या उनका कम्युनिकेशन है क्या उन्हें पता है कि इस तरह की कोई कमेटी रहती है हम बात कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम कहीं एड्रेस करने के लिए कुछ उनके पास डेस्क है ऐसा हेल्प डेस्क टाइप तो वो बड़ा अच्छा था उनका वो एस्पेक्ट बड़ा सही लगा अच्छा मैं ये चाहूँगी कि क्योंकि हमारे सुनने वाले हैं उनको कम से कम ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या आ...

गाँव की अगर बात करें तो जो स्टडी मटेरियल बना हुआ है उसके अलग जैसे इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें या कुछ ऐसा कोर्सेज़ या कुछ ऐसे क्रिएटिव कोर्सेज आप ड्राइंग के पेंटिंग के उन पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है जबकि वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल है गाँव के अंदर आज के टाइम में तो एजुकेशन इतनी बढ़िया उस पर ग्रो करती है इंटरनेट जा चुका है तो अगर हम थोड़ा सा उस टाइम को यूटिलाइज करें जो टाइम बच्चों के पास बचता है और विलेज कमेटी और इनिशिएटिव रहे एक दो जगह पर तो था लेकिन ज़्यादा पर अगर इनिशिएटिव ले वो तो वो निखार आ सकता है इसमें जी आ, तो हम इसके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो पार्टिसिपेशन होता है आ, उससे उससे क्या उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ रिसर्च और कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे जैसे कि पब्लिक एजुकेशन जो है इंडिया में ये इट्स बेसिकली केटरिंग टू मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये तो आपने भी पाया होगा कि भाई जो ज्यादातर सोसाइटी के जो लोग थे जो बच्चे जो थे वो गरीब तबके के आते थे जी. तो क्या गरीब तबके के बच्चों के लिए वी सीज उतनी ही एक्टिव होती थी और सारी वी सीज एक्टिव थी सारी तो नहीं थी खैर वी सीज में कुछ तो ऐसे थे जहाँ पर मैंने बताया कि वो खास एक अपना जिनका पॉलिटिकल थोड़ा एजेंडा अपना बड़ा था वो ज्यादा एक्टिव थे लेकिन जहाँ तक बात इस तबके की करें हम जहाँ पर हमें ज्यादा जरूरत है बच्चों के साथ जुड़ने की वहाँ थोड़ा और विलेज कमेटी को भी स्कूल को भी या और जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ रहती है उनको चाहिए कि वो और थोड़ा ध्यान दें उस पर और अभी भी दिया जा रहा है हम बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं दिया जा रहा लेकिन और किया जा सकता है काम वहाँ पर बच्चा क्रिएटिव है बच्चे के पास समय भी है सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर इतनी भागदौड़ अभी लाइफ में नहीं आई है बच्चा समय रखता है और गाँव में रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उनका मैच किया जाए इनके ये भी देखा आपने जैसे विलेज कमेटी तो एक पार्ट हो गया जी लेकिन पेरेंट्स की भागीदारी किस तरह की रही वहाँ? पेरेंट्स की भागीदारी की अगर हम सर बात करें तो पेरेंट्स की भागीदारी कहीं तो ठीक थी कहीं बिल्कुल भी नहीं थी यानी हमने पूछा तो उनको पता तक भी नहीं था कहीं पेरेंट्स को तो कि बच्चा मेरा किस क्लास में है तो वो भी एक बड़ा एक आप डिमेरिट कह सकते हैं कि अकेला समुदाय में का एक पार्ट पेरेंट्स भी है तो उनका भी इनिशिएटिव ज्यादा आना चाहिए क्योंकि अकेले हम किसी एक कमेटी पर नहीं छोड़ सकते उसका सबसे बड़ा तो, तो समय बीतता है वो अपने घर पर बीतता है यही हमारे सामने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गाँव की कमेटी पर ही हम नहीं छोड़ सकते समुदाय को आना पड़ेगा भले वो उस कमेटी में है या नहीं है समुदाय को लाने के लिए एसएमसी का रखा गया था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में फिफ्टी परसेंट कम से कम मिनिमम वुमेन हो लेकिन रिसर्च ने यह दिखाया है कि जो औरत को औरतों का पार्टिसिपेशन भी है डिस्पाइट दैट कि ऑन द पेपर वो हैं बट प्रैक्टिकली नहीं है और बहुत जगह ऐसा देखा गया बहुत सारे रिसर्चिस ये सामने आया है कि जिन औरतों का नाम जैसे अभी आपने भी बताया कि भाई कुछ लोगों ने बताया कि हमारा नाम भी हमें पता ही नहीं हम कभी जाते भी नहीं जी। और मैक्सिमम जगह ये देखा गया कि जो औरत रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनमें खाली वन परसेंट या टू परसेंट थी जो स्कूल में एक्टिवली इन्वॉल्व थी बाकी या तो जस्ट नेम सेक थी या फिर बिल्कुल ही नहीं थी यानी कि आई दे वर बींग रिप्रेजेंटेड बाय द मैन फॉक्स फ्रॉम देयर फैमिली और देर रिप्रेजेंटेशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट कमिंग इन द मीटिंग्स एंड पार्टिसिपेटिंग जस्ट एज म्यूट ऑडियंस वो आते थे सुनते थे साइन करते थे और चले जाते थे इन फैक्ट ज़्यादातर स्टडीज ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रोचक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सब उसमें टीचर और बच्चों के बीच में सोशल वेरिएशन सामने आई एक स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग सी मैंने पढ़ी उसमें देखा कि जो टीचर्स हैं वो इलाइट ग्रुप से आ रहे हैं क्योंकि द काइंड ऑफ अ सैलरी टीचर्स आर बीइंग पेड दे आर ऑन हायर साइड और जो बच्चे आ रहे हैं वो आर फ्रॉम अ वेरी सोशो इकनॉमिक पुअर सोशो इकनॉमिक वो इनफैक्ट जो उनके पेरेंट्स हैं वो स्कूल को क्रच की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई हम तो लेबरर्स हैं डेली लेबर्स हैं हर रोज़ हमें कमाने जाना है तो हम बच्चों को यहाँ छोड़ जाएंगे क्रच के लिए और कम से कम यहाँ रहेगा तो खाना तो मिलेगा और कुछ तो करेगा क्योंकि तो वर्दी और किताबें तो मुहैया सरकार करा रही है तो ये भी पाया गया कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में सोशो इकनॉमिक कहीं भी और पेरेंट्स में भी पेरेंट्स जो बच्चों के पेरेंट्स थे उनमें सोशो इकनॉमिक डिस्पैरिटी थी उस डिस्पैरिटी को कम तो करना इम्पॉसिबल है तो उसको लेकिन डील कैसे किया जाए ये भी एक चीज़ है जो मैं चर्चा करना चाहूँगी इसमें मुझे एक चीज लगती है खासतौर से महानगर में मैं देखता हूँ कि मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय है तो केंद्रीय विद्यालय में हर तरह के बच्चे आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आ, शिक्षक को पता भी होता है कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है कहीं उसके पास नहीं एडमिशन में डे, डेटा होता होगा हाँ। उसका ती, वहाँ टीचर के पास केवल नाम है तो वहाँ बहुत ज़्यादा वो भेदभाव का की संभावना नहीं है गाँव के इलाके में थोड़ा होता है कि मालूम होता है उनको कि ये इनका बच्चा है यहाँ है बहुत सा सोशल सर्किल ज़्यादा होती है लेकिन शहर बहुत कुछ बचा सकता है इसको शहर भी और केंद्रीय विद्यालय का सिर्फ पैटर्न ही डिफरेंट है मैंने केंद्रीय विद्यालय के कि... कितने ही टीचर्स से बात की 99 परसेंट के बच्चे उसी के में पढ़ रहे थे जिसमें वो पढ़ा रही थी यानी क्वालिटी तो इंश्योर है टीचर को ये पता है कि अपना बच्चा तो स्कूल में तभी भेजना चाहेगा जब उसे पता है कि भाई हाँ यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ से कुछ बच्चा सीख कर ही जाएगा केंद्रीय विद्यालय का अगर जो क्वालिटी हम स्टेट लेवल के स्कूल्स में ला पाए तो मेरे ख्याल से बहुत चेंज हो जाएगा फिर तो पब्लिक स्कूल्स वुड भी बेटर देन द प्राइवेट Hmm. क्योंकि प्राइवेट अगर जो हम पब्लिक में देखें डिस्पैरिटी देखें तो कंपैरेटिवली एजुकेशन रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक के पास रिसोर्सेज ज्यादा है फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर जो हम बात करें तो ज़्यादा है क्योंकि उनके पास टीचर्स ज़्यादा जैसे आपने भी कहा कि टीचर्स ज़्यादा रिसोर्सफुल है क्योंकि लर्नड है hmm. और उनकी क्वालिटी बेटर है उसके बावजूद भी जो अगर जो हम गांव के दूर दराज की बात करें तो ज़्यादातर वहाँ पे देखा गया है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जो भी थोड़ा बहुत भी समृद्ध हो गया व्यक्ति तो उसको ये लगता है कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजूँ वो ये भी नहीं देखना चाहता कि उस प्राइवेट स्कूल में वो बच्चा क्या सीख रहा है या क्या नहीं उसे इससे भी कोई मतलब नहीं है बस उसको ये लगता है क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है और इसीलिए मेरा बच्चा बेहतर जगह लेकिन हम लोग इस मंच से यही प्रमोट करेंगे कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है हाँ जी और इतने अधिक संख्या में टीचर ट्रेंड हो रहे हैं तो ये हर जगह अपना नाम कमाए और इतनी क्वालिटी अच्छी बना दें कि लोग आकर्षित हों बिल्कुल इतना कि कि ये पब्लिक स्कूल में ही एडमिशन चाहिए जैसे कि हमारे समय में होता था जी तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे इसी पे चर्चा करेंगे शिक्षार्थियों अभी लौटते हैं ब्रेक के बाद डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस धय में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डीटीएच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल आप डी डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस आरोप आरोप पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाक्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने अपना स्वयं बने हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हूं, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है ब्रेक के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कमिटीज बनाई गई हैं उनकी कैसे भूमिका होती है और उनका क्या प्रभाव होता है स्कूल मैनेजमेंट पे? डॉक्टर रेनू बता रही हैं आप इसके बारे में और म, क्या बताना चाहेंगे आर में आपने बताया कि किस तरह से प्रोविज़न है जी आर के तहत ही डी -पी -पी प्रोग्राम के तहत ही जो कुछ रिसर्च स्टडीज़ हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं जैसे अभी इन्होंने वी के बारे में बताया एक और स्टडी जो मेरे सामने आई कमलेश नरवाना की है हरियाणा में ही वो जिन में की थी उन्होंने उन्होंने जो भी प्रोविजन थे डी -पी -पी के वी एजुकेशन कमेटी के ही उन्होंने देखे थे और जो उन्होंने पता लगाया उनके जो ऑब्जेक्टिव्स के बाद में जो उनकी फाइंडिंग्स थी उनको हम थोड़ा सा स्टडी करें ताकि हमें पता चले कि कुछ क्योंकि व्हाट व्हाट ही हैज़ टॉक्ड अबाउट इज़ अ क्वाइट पॉजिटिव एंड कमलेश निर्वाणा के जो रिसर्च है वो काफ़ी नेगेटिव फैक्टर्स को भी सामने लाई है जिसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है रिसर्च में तो वी हैव टू टॉक अबाउट बोथ आस्पेक्ट्स

और जो सरपंच थे वो अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि वी में जो उनका पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही कम था और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिस तबके से आ रहे थे उसमें जो विलेज था उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन खाली सत्रह परसेंट था सत्रह परसेंट होने की वजह से और एस एम में और वी में रिप्रेजेंटेशन उस कम्युनिटी का ना होने की वजह से उन्होंने ये पाया कि स्कूल बहुत अच्छी तरह नहीं काम कर पा रहा था उसके अलावा जो और उनकी एक मेजर फाइंडिंग है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है कि कैपेसिटी ऑफ लोकल कम्युनिटी विजो विज एजुकेशनल मैनेजमेंट रिमेन वेरी लिमिटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैव एम्फ़ेसाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स द एस एस फ्रेमवर्क ट्रस्ट दैट द एस एस फॉर्मुलेटेड इन द प्रमिसेज द इन द कम्युनिटी एंड इट कैन प्लान इट हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग कैपेसिटीज़ इन कॉम्युनिटीज़ टू डू सो यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ही वट इफाउ वेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर इन प्लेस एंड बिकॉज दे हैव एक्सरसाइज अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में भी यानी स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं बल्कि पेरेंट्स भी हैं यानी उन्होंने पाया कि जो जो पेरेंट्स हैं उनको स्ट्रेंदन करना बहुत जरूरी है अगर उनको स्ट्रेंदन नहीं करेंगे तो उनका पार्टिसिपेशन कम आएगा तो उनको स्ट्रेंदन करने के लिए इस स्टेसर स्टडी में सामने आया कि उनको स्ट्रेंदन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको जागृत किया जाए कि किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कूल में और किस तरह से एक्टिव हो सकते हैं देन देर इज़ अनदर स्टडी बाय सिंग कंडक्टेड इन टू थाउजेंड एटीन कोट the village is a imagined community as harmonious and egalitarian never became a reality and in fact reinforced the division and hierarchy around which the village was traditionally organized ye study jo hai ye bilkul ye batati hai ki jo हमने policy में जो हमने गांव की परिभाषा दी वो वो ही ठीक नहीं है क्योंकि उसमें हमने हाइट्रोजेनिटी को ओवरलुक कर दिया और हमने ये लगा कि विलेज सालों से वैसा ही है इसमें कोई बदलाव नहीं आए इसी स्टडी में एक और चीज़ सामने आई कि अगर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन विलेजेस में ज़्यादा है और वो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन स्कूल्स में जाता है तो एजुकेशन उससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड होती है और ये काफ़ी जगह भी देखा गया ये रिसर्च इस रिसर्च स्टडी की ये भी फाइंडिंग थी एक और रिसर्च स्टडी की हम चर्चा करना चाहेंगे वास्वी वो टू की स्टडी है वॉट शी फाउंड वॉज दट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी ऑन विच इंडियन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट डिसट्रलाइजेशज़ ओवर लुक द मोस्ट रियलिस्टिक पोट्रियल ऑफ विज कम्युनिटी एज साइड्स ऑफ कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट टेंशन एंड एक्सक्लूजन तो ये दोनों स्टडीज़ ये पॉइंट आउट करती हैं कि जो सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर के साथ पॉलिटिकल जो सीनेरियो है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है विलेज की लाइफ को और साथ में स्कूल एजुकेशन को भी यानि उसको भी डील करने की ज़रूरत है और उसको डील पॉलिसी पर्सपेक्टिव से तो थोड़ा बहुत करना ही होगा बट उससे भी ज़्यादा जैसे राय साहब ने भी कहा उनको करना पड़ेगा डील जो कि स्कूल एजुकेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं टीचर्स जैसे आ, 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 आप लोग जो शिक्षार्थी हैं हमारे जो जहाँ जा, जाएंगे वहाँ काम करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट आएगी और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वही कर भी सकते हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं वही एक की पॉइंट है वही एक इंटरलिंकिंग पॉइंट है टीचर्स ही पेरेंट्स के बीच में बच्चों के बीच में वी के बीच में एस के बीच में क्योंकि वो इंटरलिंकिंग पॉइंट है तो वही सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और पॉजिटिव सीनेरियोज़ को आउटलाइन भी कर सकते हैं एक और चर्चा करनी ज़रूरी है जिसमें पाया गया था जिसके हम ब्रेक पे जाने से पहले की बात कर रहे थे कि यूपी में जो स्टडी हुई थी उसमें पाया गया था कि टीचर्स का जो इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक जो लेवल है वो मच बेटर है स्टूडेंट से और क्योंकि उनका सोशो इकोनॉमिक लेवल स्टूडेंट से मच बेटर है तो वो स्टूडेंट्स को अपना नहीं पाते और जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये लगता है कि भाई जब वो स्कूल में जाते हैं तो ना उनको उनकी भाषा समझ आती है और टीचर्स की वोकेबलरी भी नहीं समझ आती क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर लेबरर्स तो इसको भी हमें ये जो पार्ट है जो डिफ्रेंसीशन है इसको भी हमें पूरा करने की ज़रूरत है इसमें मैं तो यही कहूँगा कि लिमिटेड जगहों पे समस्या होगी जो आप कह रही हैं अभी लेकिन उसको भी दूर करना चाहिए हाँ किसी न किसी रूप में लेकिन अगर आ, कोई शिक्षा के क्षेत्र में आता है तो उसके बाद भी अगर वो भेदभाव रखता है तो शायद शिक्षा कहीं ना कहीं कमी है जी चूंकि आप मान लीजिए कि एक इंटीरियर इलाके में जा रहे हैं आप एक शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति के रूप में वहाँ जा रहे हैं और इंटीरियर इलाके में प्रतिष्ठा भी बहुत होती है जी मास्टर साहब आए हैं इस तरह का इस तरह की इज्जत होती है और आ, बड़े बुजुर्ग सभी नमस्कार करते हैं उनको जी तो आ, फिर आपसे उम्मीद भी की जाती है कि एक आदर्श रूप भी आपका नज़र आए तो मुझे लगता है कि अगर रिसर्च में कहीं आया भी है तो उसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और होना नहीं चाहिए ये रिसर्च स्टडीज़ सर जैसे हम तो बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट पे बैठे हैं ये रिसर्च स्टडीज़ बहुत रिमोट एरियाज़ में ट्राइबल्स में वहाँ पे की गई है ये देखने के लिए कि क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान जब चला था तो उसका बेसिक कारण ये था कि हम वहाँ तक भी पहुँचाए शिक्षा को कि जहाँ पे शिक्षा कभी देखी नहीं गई जहाँ शिक्षा पता ही नहीं क्या है तो वहाँ के ये हालात हैं जो सामने आए लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि शिक्षा पहुँची है और कम से कम शिक्षा के तरफ लोगों का थोड़ा बहुत तो रुझान आया है तो ये तो एक स्ट्रॉग पॉइंट है कि हाँ हमने वहाँ तक शिक्षा को पहुँचा दिया है और दूसरा क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो मेरे ख्याल से डिफरेंसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से जो एजुकेशन की रीच है वो ज़्यादा हो रही है अब तो स्टूडेंट चाहे टीचर चाहे टेलीफोनिकली अपने मोबाइल के थ्रू ही टेक्नोलॉजी से बहुत सारी नॉलेज एसअस कर सकता है तो क्योंकि नॉलेज देने के तरीके भी बदल गए हैं और नॉलेज लेने के ज़रिए भी ज़्यादा हो गए हैं तो एजुकेशन भी ही होनी चाहिए वहाँ पे एक और चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन और भी इम्पॉर्टेंट हो गई है जब सोर्सेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिल्टरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो टीचर्स तो का जो रोल है वो कम्युनिटी को साथ लाने में तो है ही ओवरऑल सही इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके और उस इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचाने का भी हो जाता है जैसे इसमें एक जो आप कह रहे थे अभी सोशियो इकोनॉमिक का हम लोगों को पढ़ते समय कभी याद नहीं है कि हमें पता हो कि शिक्षक किस जाति धर्म और कहाँ से आते हैं हुँ. कभी ना सोचा और न ही किसी ने कभी कोई चर्चा की कम कम से 90 को तो कुछ नहीं पता हमें कि हमें कि भी नहीं नहीं बस। हाँ। हाँ। तो, हो चाहे, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी का बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं पहले जो टीचर ने कहा है वो करना है मतलब वो एटीट्यूड हमारा डेवेलप हो गया आउट ऑफ रेस्पेक्ट क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया वही मैं मतलब मेरा बताने का था कि जहाँ तक संस्कार की बात है हमारे मतलब देश के कोने कोने में रची बसी है हाँ जी। संस्कृति पूरी तरह से और यहाँ जिस तरह से सम्मान करते हैं वो बहुत कम जगहों में शायद और जगहों में उतना नहीं संभव होगा क्योंकि हमें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कितनी तरह की चीज़ें समझाई और पढ़ाई गई हैं हमें तो वो कहीं ना कहीं है अभी भी है और मैं चाहूँगा कि शिक्षक हमारे सुन रहे हैं तो ये हम गौरव की बात है हम शिक्षकों के लिए बहुत। कि इतना सम्मान हमें दिया जाता है और हम उस सम्मान को बना के रखें और जो कमिटीज भी हैं सब जो बनती हैं वो भी आपको इतना सम्मान देती हैं कि आपने जो कह दिया उसको उन्होंने एकदम पत्थर की लकीर मान लिया बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया और इन रिसर्च स्टडीज़ में भी सामने आया है कि जहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल्स लीडर्स और जो टीचर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे और वो कर्मठ थे कि भाई हाँ हमारा जो काम है वो अच्छी तरह करेंगे तो वहाँ पे जो भी डिफरेंसेस थे सोसाइटी में वो स्कूल को इम्पैक्ट नहीं कर पाए क्योंकि स्कूल अल्टीमेटली बाउंड्रीज के अंदर तो उन्हीं का ही है पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स का है और क्योंकि स्टूडेंट्स के निगरानी का स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का स्टूडेंट्स को पढ़ाने का और उन्हें एजुकेट करने का कम्प्लीटली पूरा दायित्व जो है वो कम्युनिटी ने टीचर्स को दिया है तो वो अपना अधिकार भी जता सकते हैं और वो ज्ञान का मंदिर है ज्ञान का वहां तो सामाजिक और इसमें फिर दायित्व सबसे ज्यादा हो जाता है टीचर्स का ही कुछ और फाइंडिंग्स का जिक्र करना चाहेंगे कि जिसमें यह देखा गया कि डिसेंट्रलाइजेशन होने के बावजूद भी जो कम्युनिटीज़ थी उनको पता ही नहीं था कि उनके अधिकार क्या हैं उनको फाइनेंशियल जो रिसोर्स दिए गए थे उनको किस तरह से यूज़ करना है उनको पता ही नहीं था यानी कई कई रिसर्च स्टडीज़ ने ये भी सामने लाए कि जो जो फाइनेंशियल रिसोर्सिस का यूटिलाइजेशन हो रहा था उनको ये नहीं पता था कि भाई यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है कहाँ से हो रहा है जब उनसे पूछा गया जाके क्वेश्चन uh, किया गया कि आपने क्या उसमें पार्टिसिपेट किया है तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ भी होता है कि नहीं होता है और ये सब तो या तो हेडमास्टर जानते हैं या फिर सरपंच जानते हैं तो जो एस में जो लोग हैं उन्हें भागीदारी अपनी स्ट्रेंदन करने की बहुत ज़रूरी है और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है ये इंश्योर तो खुद कम्युनिटी को ही करना पड़ेगा और तभी सीरियसली कुछ उसमें पॉजिटिव्स भी हो पाएंगे डॉक्टर साहब आपने एसएमसी से भी बात की अपनी रिसर्च के SMC दौरान एसएमसी से हमारी बातचीत कम हो पाई थी जो आपने अभी ये पॉइंट बताया ये बिल्कुल हम, हमने देखा इस बारे में कि पता नहीं था उसके दो कारण जो मुझे लगता है मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ एक तो उसमें बड़ा कारण था कि जो फीमेल कैंडिडेट चुन के भी आए थे वो एक्टिव नहीं थी पॉलिटिक्स में एक्टिव उनके हस्बैंड ही थे वो सुन गए थे क्योंकि वो रिजर्व वार्ड था या वो रिजर्व की वजह से वो आ तो गए लेकिन जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो काम में था वो सारा उनके हस्बैंड देख रहे थे तो उनको तो पता ही नहीं था इस बारे में दूसरी बात ये थी कि अवेयरनेस बड़ी कम थी इस मामले में कि आपका रोल किस तरह इस स्कूल को और ज्यादा अपग्रेड कर सकता है हमने बताया भी हम सिर्फ पाइंडिंग करके नहीं आए हमने उनसे बातचीत करके बताया भी कि बायदाद आप अगर आप जाओगे तो देखो ये चीज़ें आप कर भी सकते हो कुछ लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने बताया कि अच्छा आपने बता दिया ठीक है अब अगली मीटिंग जब भी होगी तो हम ध्यान रखेंगे कि उसमें हमारा भी कोई सजेशन जाए हमारे बच्चे के बारे में पता करें और फिर उसमें मेन बात ये थी जो सर भी बता रहे थे कि हम सारा उस कमेटी पर नहीं डाल सकते हमें गाँव का पोलिटिकल चाहे हमारे कितने भी डिफरेंसीज रहे जब से इंटरनेट आए तो नो डाउट पहले सर की बात सही है कि हमें पता ही नहीं था कि कौन सा धर्म है कौन सा इसके पॉलिटिकल अप्रोच है पार्टी में किसको ये समझते हमें नहीं कुछ नहीं, नहीं था नहीं। नहीं। लेकिन आज इंटरनेट इतना ज़्यादा फास्ट हो गया कि बच्चा तुरंत घर पे जाकर देखता है कि अच्छा हमारे जो टीचर थे वो तो हमारे इस पोलिटिकल ओपिनियन से अलग है या वो सारा देख रहा है जज कर रहा है वो सारा और बच्चा वो नहीं सीखता जो आप उसे बोल रहे हो बच्चा सीखता है वो जो देख रहा है तो एक टीचर को बड़ा इस मामले में सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपका टीचर का एक मात्र रोल ऐसा है जो घर जाने के बाद ही बना रहता है यानी आपकी रियल लाइफ को भी बच्चे देखते हैं सिर्फ वो आपकी टीचिंग तक नहीं रहते अगर एक टीचर स्कूल के बाद जो भी कुछ कर रहा है तो बच्चे देखते हैं कि देखो हमारा टीचर है देखो वो वहां देखा था वो इस तरह का बिहेव कर रहा था गांव वाले भी आके बोलते हो कि अरे आप मास्टर जी आप शांत हो जाओ आप क्यों लड़ रहे हो आप तो टीचर है तो हमारी उम्मीदें बड़ी ज्यादा है टीचर से तो हमारे जितने आइडियल है ना वो सब है। के लिए जी सबके लिए वो ना केवल विद्यार्थियों के लिए वो सबके लिए तो हमारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो उनकी बड़ी एक जिम्मेदारी है क्योंकि आने वाला जो समय है वो एक चेंजिंग पीरियड इस टाइम इतना ज्यादा आ गया सोसाइटी का कि आपकी कोई भी बात जस्ट स्टेटस पर अपडेट हो जाती है इलेक्शन uh, तो चलते रहते हैं कभी आपका गांव का इलेक्शन है कभी आप दूसरे पॉलिटिकल और जितने एजेंडे चलते रहते हैं तो उसमें टीचर फेसबुक यूज करता है तो वो क्या पोस्ट डाल रहा है वहाँ पर बच्चा उसे भी देखता है नहीं, बहुत ही अलर्ट रहने की बहुत तो अलर्ट, तो तो अलर्ट रहने अलर्ट की जरूरत है हुँ। हुँ। जी उसको बड़ा देखना पड़ता है कि वो जो पोस्ट डालेगा इसे दस विद्यार्थी पढ़ेंगे उनकी मानसिकता इनसे मैच करेगी या इसे वो डिमोटिवेट भी हो सकते हैं मान लीजिए किसी बच्चे का फादर ही पॉलिटिक्स में है और मैं उसी पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा अपशब्द लिख दूं तो तो बच्चा मुझसे भी तो थोड़ी हल्की फुल्के से तो फिर मतलब हमारे ओपिनियन मिलते नहीं इनसे नहीं टीचर का मतलब यही है कि आपको अपने पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। हाँ। क्योंकि ये एक इस प्रोफेशन में हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं तो उन्हें बड़ा इस मामले में एक इतना सम्मानजनक एक पेशा है इसमें आप घर जाकर भी टीचर ही रहते हैं बाकी सब प्रोफेशन शट डाउन हो जाते हैं ये शट डाउन नहीं होता और है शादी में भी आपका बिहेवियर मतलब आप अगर डीजे पे भी डांस करते हैं तो आप सोसाइटी आपको वहां भी देखती है और इनकी गलती भी नहीं है सर क्यूँकी हमने शुरू से गुरु ब्रह्मा विष्णु और गुरु गोविंद दाऊ खड़े खाकर बता दिया उनको बता दिया और ये बड़ा एक ऐसा पेशा है कि इसमें अगर आप आओगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके व्यक्तिगत जितने भी मसले हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना जाए ये सच्चाई भी है जैसे मुझे याद है एक मैं एक मुझसे थोड़े से थोड़ सीनियर से ऑफिसर है मैं उनसे बात कर रही थी तो वो बता रहे थे कि हम तो गाँव के स्कूल में पढ़े तो मेरी दादी थी स्ट्रॉन्ग थी और मतलब गाँव वाले सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे दादी बोलते थे सब लोग तो जब मैं स्कूल में गया मैं पढ़ता लिखता नहीं था तो मास्टर जी ने छड़ी से मारा कहते हैं, हाथ सूझे थे जब घर आया तो दादी ने कहा ये क्या हुआ तो कह रहा कि भाई मास्टर जी ने छड़ी से मारा दादी ने मास्टर जी की क्लास लगा दी तो अगले दिन सुबह जब वो क्लास में गए तो मास्टर जी ने बोला अब मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि तू तो शिकायत करता है कहते हैं मैंने उस दिन से सबक ये लिया कि मास्टर जी आपको जो पनिशमेंट देनी है मुझे दे दो मैं दादी को नहीं बताऊंगा बताऊँगा hmm. कहते है, और यही कारण था कि मैं पढ़ गया अगर मैं उस टाइम अपने टीचर की रिस्पेक्ट छोड़ देता मतलब बच्चों को भी इतनी समझ होती है छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी समझ होती है कि उन्हें ये समझ आता है कि कौन सही है और कौन गलत है जी। नहीं यहाँ तो आपने उदाहरण दिया उसके विपरीत भी, भी उदाहरण है कि पिटाई होके आई और घर में आके और भी पिटा पिटा पिटाई हुई ये तो बहुत ये तो सारे है।, भी है ये तो हमारे साथ भी हुआ है सर बहुत सारे हैं बहुत सारे तो वो ज्यादा उदाहरण है इवन आप देखिए सर कभी गांव में जितना अगर आप कभी गांव में टीचर के साथ निकल जाए तो सारा गांव उन्हें राम राम करता है नमस्कार करता है बड़ा हो छोटा हो उनके सब उनके दुआ सलाम करके चलते हैं क्योंकि वो प्रोफेशन ही ऐसा है की कोई भी सलाह लेनी है और गांव में तो ये भी नहीं है कि मैथ्स का टीचर है तो इससे मैथ्स के बारे में बात करनी है वो बच्चे की हर चीज़ के बारे में कि मास्टर जी को बुला लेते हैं वो कुछ अच्छे ढंग की सलाह देंगे आपको को तो इतना बड़ा होता है आपका तो इसलिए आपको बड़ा समझदारी से चलना पड़ेगा और ख़ासकर इंटरनेट के ज़माने में तो आप जो भी बोलते हैं

जब टीचर क्लास में जो बोलता है उसका तो इम्पैक्ट होता ही होता है स्टूडेंट पे और जो बिहेव करता है उसका भी इम्पैक्ट होता है बाकी टीचर का मेन चीज़ ये है कि जैसे हमने भी काफ़ी किताबों में भी पढ़ा कि अगर टीचर हर एक स्टूडेंट को इक्वल समझे और हर एक स्टूडेंट को समझे कि ये मेरे रिसोर्स हैं और इनको एजुकेट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ तो काफ़ी हद तक जो डिफ्रेंसेस हमने पाए जो हमने स्कूल एजुकेशन में देखा Uh, कुछ रिसर्च uh, स्टडीज़ की भी हमने भी चर्चा की कि हमने देखा कि टीचर्स का uh, जो उहदा था वो ऊपर था और टीचर्स का साथ में बिलीव भी ये था कि हम सुपीरियर हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी यानी कि टीचर्स को बिलीव तो यही करना है कि हम सुपीरियर uh, सिर्फ इस तरह से हैं क्योंकि वी आर रिस्पेक्टेड एंड वी हैव टू मेंटेन दैट डिग्निटी इसीलिए हमें ह्यूमिलिटी सीखनी पड़ेगी और हम्बल होना पड़ेगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हर एक बच्चे के साथ अपना व्यवहार सामान्य रखें और एक जैसा रखें और किसी भी बच्चे में भेदभाव ना करें इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे कि समाज का प्रभाव क्या स्कूल पे पड़ रहा है लेकिन ये शिक्षक केवल शिक्षक नहीं है सामाजिक प्राणी है सामाजिक प्राणी उसको ऐसा काट के नहीं देखें कि वो स्कूल का एम्प्लॉय है जी नहीं है वो वो तो समाज का अभिन्न हिस्सा है अभी सर जैसे आपने केवी की चर्चा की थी केवी का सक्सेसफुल होने का एक मेन एक कारण भी है मैं जितने भी केवी के टीचर्स से मिली हूँ वो ये बिलीव करते हैं कि हम 24 फोर आवर्स के टीचर्स हैं वो कहते हैं चाहे हम हॉस्टल वार्डन हो ना हो लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हमें पता चलती है चाहे वो खाने रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो इट्स अमर ड्यूटी टू अटेंड टू इट यानी वो एक जो फीलिंग है जो के में जब टीचर एंटर करता है वो जो फीलिंग उनमें इम्बाइब कर दी जाती है वो बहुत ज़रूरी है और यही कारण है कि केवी की के अभी भी साख बनी हुई है और अभी भी केवी को उसी नजर से देखा जाता है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल वैसे ही होने चाहिए वो एक उदाहरण तो हमारे पास है ही हाँ जी आप उसको फॉलो कीजिए बिल्कुल है ना तो ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं हायर करना है की कैसा बनाए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आदर्श विद्यालय है आदर्श विद्यालय बिल्कुल उन्हीं कम्युनिटीज में है और उन्हीं कम्युनिटीज से आम बच्चा भी आता है और बच्चा खाली आता है टेस्ट देके उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स को ज़रूर इवेल्यूएट किया जाता है लेकिन फिर टीचर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो बच्चा जब आया है तो वो अपनी लाइफ में उतना ही बेहतर करे जितना उसने उसकी क्वालिटी या फिर ये कहना चाहिए कि जो उसका लेवल देखा था जब उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो बैठा था उस एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जब ये देखा गया था कि ये इसका एप्टीट्यूड एटीट्यूड और साथ में इसका ये अचीवमेंट uh, लेवल है वो अचीवमेंट लेवल बढ़ना चाहिए यही आदर्श विद्यालय में भी देखा जाता है कि यही मेंटेन uh, रहे और वो, वो भी एक अच्छे मिसाल बहुत है अच्छे मॉडल्स से नवोदय का भी अच्छे हैं। और नवोदय शुरू से ही सच है मतलब नवोदय जैसे आया था तभी से इस चीज का ध्यान रखा गया कि नवोदय विद्यालय जिस नवोद्याय को लाने का बेसिक रीज़न यही था कि उन्हीं सोसाइटीज़ को दिया गया था उन्हीं कम्युनिटीज़ को जो रिमोट में थी और रिमोट में होने के बावजूद भी क्वालिटी पर्सपेक्टिव हो वही एक सेंट्रल पॉइंट था और उसको बहुत अच्छी तरह नवोदय विद्यालय ने मेंटेन भी किया है प्रॉब्लम आ जाती है जो कि बिल्कुल ही रिमोट में सरकारी स्कूल है जहाँ तक ना तो आ, आ, जो सरकारी संस्थाएँ हैं वो जाती हैं ना जहाँ पर ऑफिसर्स जाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है यानी कि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होती लेकिन जहाँ तक कनेक्टिविटी का बात है तो जिस तरह से अब इंटरनेट और ये सब फैल रहा है तो मेरे ख्याल से वो दिन तो दूर नहीं है कि जब आप कनेक्टेड महसूस करोगे बाय रोड ना सही बट इट विल बी वेरी इजी टू बी ऑब्जर्व और बहुत कम ऐसे इलाके हैं कि आप पहुंच नहीं सकते पहुंच नहीं सकते बहुत रेयर है बहुत रेयर है और तो... अब तो इंटरनेट से आप आराम से पहुँच सकते हैं तो ऑब्जर्वेशन तो अब स्ट्रिक्ट होने वाला है तो हमारे शिक्षार्थियों को ये पता होना चाहिए कि जिस जी। जब वो काम करने वाले हैं जिस भी स्कूल में वो जाएंगे दे विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं काम ये लोग अच्छा ये, ये लोग से... काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद उनकी जो गुणवत्ता है उसमें और विस्तार हो और जो क्वालिटीज़ हम बात कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए उस क्वालिटीज़ को भी विकसित करें और समाज के लोगों को बताएं कि हमने इस तरह की चर्चा सुनी है और ये ये दिक्कतें आती हैं इसको दूर किया जाए और ये तो प्राइमरी एजुकेशन के साथ ही टीचर्स इन्वॉल्व तो इनके पास तो सबसे ज्यादा इनसे इंपैक्टफुल कोई हो ही नहीं सकता। अनुभव है।, है इनके पास जीवन का तो और... अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और शिक्षार्थियों जल्दी वापस आते हैं डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस ध में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी स्वयं प्रभा वागदा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल डी डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस पर।, पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वार्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा

कहीं वे प्रेम के लोच से युक्त पड़े हो काषित करने रहो तो आलोकित करने शिक्षार्थियों पुनः आपका स्वागत है ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से कम्युनिटी स्कूल को प्रभावित करती है और उसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस पर भी बातचीत की हमने रिसर्च के बारे में भी बातचीत हुई कि रिसर्च क्या कहते हैं और उसमें कुछ खामियां भी नज़र आईं। तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आ, मैं आ, मैडम से अनुरोध करूँगा कि इसकी दिशा क्या हो किस तरह से बढ़ना चाहिए और कौन कौन से लोग क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं इस पर थोड़ी बातचीत करें हम लोग इसमें सर सेंट्रल रोल तो टीचर का ही रहेगा क्योंकि शिक्षक एक अभिन्न अंग है स्कूल का और कम्युनिटी का क्योंकि मेजोरिटी टीचर उसी कम्युनिटी से निकल कर आते हैं जिस कम्युनिटी के बच्चे होते हैं उस कम्युनिटी में भी अगर सोशल क्लासेस हैं पहले तो वो उसको तोड़ना पड़ेगा उसे कि भाई जो सोशो इकोनॉमिक क्लासेज हैं उनसे ऊपर उठ के उसे पहले ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं एक टीचर हूँ और एज अ टीचर उसका जो रोल है वो खाली क्लास रूम तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उसका रोल स्कूल तक भी स्कूल uh, के बाहर भी है और कम्युनिटी में भी है एज अ कम्युनिटी मेंबर वो क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है स्कूल में उसको ये भी देखना पड़ेगा एज ए एम्प्लॉई वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको ये भी देखना पड़ेगा एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ बीइंग अ टीचर उसे क्या कंट्रीब्यूट करना है उसे ये भी देखना पड़ेगा तो ये तीन चार मानदंड हैं जिस पर एक टीचर को काम करना पड़ेगा तो डॉक्टर साहब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी तो पहले इसी एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करते हैं कि एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी वो क्या कर सकता है एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी की बात करें मैम तो उस टीचर का बड़ा फर्ज बनता है कि वो जहाँ भी रहता है जिस भी जगह पर वो अपना आसपास के दायरे में अवेयरनेस फैलाए और अपना एक एग्जाम्पल सेट करे मैं अक्सर मैं बात अपनी क्लास में भी बोलता हूँ राजनीति जाति धर्म ये आपके कक्षा में नहीं जाने चाहिए जी। कक्षा में सिर्फ एक शिक्षक जाए और वो वापस भी वही आए हाँ। आप बच्चों को आप जो भी बोलते हैं इतना भी आपको पता ही इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चा मम्मी को बोल देता है आप गलत हो मैडम ठीक है बिल्कुल सही ये तो सच्चाई है की जो तीसरी से लेके आठवीं तक के बच्चे मतलब हम भी माँ हैं तो हम चाहे कितना ही जानते हो लेकिन बच्चा अक्सर ये कहता है कि ये तरीका मैम ने जो कराया है वे ही सही है या तो इससे कराओ नहीं तो आपको आता नहीं वही बात होती कि, कि मैम आप मतलब माँ प्रिंसिपल है और चाहे वो कितने भी जूनियर है जो पढ़ा रही है मैम लेकिन बच्चा उसकी बात मानेगा तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है इस इम्पैक्ट का हमें मिस यूज़ ना कर नहीं करना चाहिए हम वहाँ पर जाकर किसी राजनीतिक की या किसी धर्म की या किसी जाति के प्रचार ना करने लग जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्टली या फिर हम अपनी को ही प्रमोट करने लग जाए या अभी आपने बात की थी कि एक स्कूल में हर तबके का बच्चा बैठा है वो हर जाति से बैठा है उसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य अलग है किसी दूसरे के अलग है तो शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी वाणी पर अपने कर्म पर वो बड़ा ध्यान रखें बच्चे को कहीं ये ना लगे कि मुझे तो इसलिए निकाला गया कक्षा से या मेरे साथ तो इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ या मेरे घर की स्थिति ऐसी है या मेरे पापा उस पॉलिटिकल पार्टी में जिसमें ये टीचर के अपने वो विचार नहीं मिलते ये सारी चीज़ें नो डाउट वो एक समाज का सदस्य हैं उसका हक है कि वो राजनीति से जुड़े मुद्दों पर बात करें वो, वो अपनी वोट का अधिकार सब करे लेकिन वो मर्यादा के साथ रखें मिड डे मील की जहाँ बात होती है वो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला सकता है समय ये देख सकता है कि हर रोज़ कोई नया व्यक्ति आए जो मिड डे मील सर्व करे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इस टूरू हो जाएगी और इसके अलावा एक और फायदा होगा कि पार्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अलावा कि जो भी व्यक्ति आएगा उसको अपनी बिलोंगिंगनेस नज़र आएगी स्कूल में और इसके अलावा और इसके अलावा जैसे अगर हम स्कूल में फंक्शन हमारे चलते रहते हैं बाल चाहे वो छोटा सा बाल सभा का फंक्शन हो या कोई छोटा और त्यौहार मनाने का हो उसमें वो ये भी कर सकता है कि गांव से बुलाए इनवाइट करे कुछ ऐसे लोगों को जो भले उस कमेटी के सदस्य नहीं है भले वो किसी कमेटी में अपना कोई भी काम नहीं करते लेकिन इसलिए कि वो एक बार आकर देखे सही जो आपने बताया कि उन्हें थोड़ा लगे कि हम जुड़े हैं इस मुद्दे से हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस स्कूल में मिलती है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें उस मंच पर बिठाया गया है अगर हमारे हाथ से किसी बच्चे को एक प्रमाण पत्र दिलवाया गया है तो क्यों ना हम उस जिम्मेदारी के साथ अब उनका आप देखिएगा बिहेवियर भी चेंज होगा क्योंकि तो उनके साथ एक फीलिंग आएगी कि अच्छा मैं भी एक जिम्मेदार सदस्य हूँ सोसाइटी का और इसी तरह अगर गाँव में किसी ने कोई अचीवमेंट की है उसको चाहिए कि वो उसे बुलाए भले वो अगर आधा एक घंटा निकाल भी लेगा तो इसका बड़ा बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसके अनुभव साझे कराए जाए बच्चों के साथ कि अगर ये स्पोर्ट्स में गया बच्चा आपका गांव का इतना आगे या किसी ने राजनीति में भी अच्छी उपलब्धि पाई है कोई अच्छी नौकरी पर चला गया है तो उस सारे समाज के जो अचीवमेंट हैं वो स्कूल वाले बच्चों को दिखाए जाए रास्ता कैसे तय किया है ताकि बच्चा ये समझे कि मेरा जो यहाँ का आज का हार्ड वर्क है वो यहीं तक नहीं रहेगा वो जाके आगे फल उसका जो मिलेगा वो इस रूप में मिलेगा एल्यूमिन एसोसिएशन सरकारी स्कूलों में इस पर भी जोर देना चाहिए कम से जी. कम पॉलिसी प्रोविजन बेशक ना हो लेकिन ये किया जा सकता है कि भाई हर एक स्कूल अपने एल्युमिनाई को सेलिब्रेशन uh, तक लेकर आए यानी कि अगर जो कोई भी एलुमिनाए उस स्कूल से निकला है तो उनको इनवाइट किया जाए कम से कम उनसे कुछ इन्वॉल्व भी किया जाए उनको अगर वो कुछ दे सकते हैं चाहे वो प्रैक्टिकली दे सकते हो फाइनेंशियली दे सकते हो किसी भी तरह से अगर वो कुछ दे सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए उसके अलावा जो भी हेड ऑफ़ द स्कूल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है वो ये देखे कि जो भी कंसर्न टीचर है वो हमेशा अपॉलिटिकल बिहेव करे क्लास में और वह इस चीज़ को भी देखे कि उसका जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है वो उसके प्रति सजग है कि नहीं है यानी कि क्लास में वो जैसे आपने भी बताया कि क्लास में किसी कम्युनिटी कास्ट उसको बीच में ना लेकर आए साथ में क्योंकि उसका जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है वो है उसे एजुकेट करना तो एजुकेशन की तरफ ही उसका पूरा का पूरा रुझान रहे क्लास में भी क्लास के बाहर भी और बच्चों को उसके अलावा कम्युनिटी से वो इकट्ठी किताब भी कर सकता है जैसे मुझे याद है कि हमारे बच्चों के जैसे कि हम भी पेरेंट्स हैं हमारे स्कूलों से अक्सर वो आता है सर्कुलर कि भाई अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक्स है तो आप वो कॉन्ट्रीब्यूट कर दीजिए फिर वो स्कूल जो भी आसपास जो गरीब कम्युनिटी होती है उनको इनवाइट करता है और उनको कहता है कि फ्री में बुक्स आप ले जाइए जो हम घर में भी अक्सर करते हैं कि अपनी किताबें जो जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो जो भी किताबें बच्चों ने पढ़ ली तो उनको हम किसी न किसी को दे देते हैं ताकि वो भी पढ़कर आगे बढ़े तो अपने लाइब्रेरी अगर जो स्कूल अ, उसे रिन्यू करना चाहता है तो उसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा तरीका है वो कम्युनिटी से बुक्स ले सकता है कम्युनिटी से सारे रिसोर्सेज ले सकता है और जैसे कि हमने अभी चर्चा भी की कि भाई वो सब्जेक्ट टीचर्स तक ले सकता है अगर जो वो चाहे तो सब्जेक्ट टीचर्स अपने आप को स्ट्रेंथन करने के सब्जेक्ट टीचर्स भी ले सकता है जी बिल्कुल एस में किस तरह से मतलब जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं देखिए इसका एक तो लीगल तरीका तो ये है कि हम उन्हें उसमें थोड़ा रिजर्वेशन वुमेन की मेंबर की करवाए या नियम बने वो तो है नियम तो है, है, है पचास प्रतिशत का नियम है कि पचास प्रतिशत भागीदारी औरतों की रहनी है लेकिन वो, वो वहाँ तक नहीं आते हाँ, हाँ। क्योंकि आ, आप तो वाकई गए हैं तो आपने देखा होगा कि एसएमसी में भागीदारी खाली पेपर तक थी या फिर असल में थी अच्छा, वही बात मैं बता रहा था कि जो फीमेल मेंबर थे उनको पहली बात तो पता नहीं था उनकी भागीदार उनका साइन ले लिया उनको पता लगा कि हाँ हमारे किसी पेपर पे साइन हुए वो पेपर किस लिए था मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या थी किस मुद्दे पर डिस्कशन हुआ है ये नहीं पता था तो सबसे पहले तो उन्हें अवेयरनेस फैलाने का काम जैसे हम अगर टीचर की बात करें तो एक टीचर को चाहिए कि वो उसको तो पता रहेगा कि कौन कौन मेंबर है तो जाकर बात करें वो बताया कि आपका यहाँ से निकलना कितना ज़रूरी है आप निकलोगे तो आपके साथ जितने भी पीछे आपकी जनरेशन खड़ी है उनका कितना हौसला बढ़ेगा कि हमारे ही घर की ताई दादी चाची मामी वो आकर हमारे स्कूल के इस मुद्दे पर बात रखती है या वो इस मुद्दे पर हमारे लिए कुछ एक नया इनिशिएटिव ले रही है उन्हें चाहिए कि उन चीज़ों को अपने लिए ना सोच कर, अगली जनरेशन के लिए सोच जाए और इसका इम्पैक्ट उन पर देखे तक ताकि वो आगे आए और आगे आने से उनके उनका हौसला बढ़ता रहे नेक्स्ट जनरेशन का कि हमें भी कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें जैसे एक रिसर्च स्टडी जो कि पर्टिकुलरली वुमेन पार्टिसिपेशन पे की गई थी वो मैंने पढ़ी तो मैंने उसमें पाया कि उस स्टडी में जितनी भी फाइंडिंग्स थी वो ये दिखाती थी कि वुमेन वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट और जहाँ भी मतलब जितना भी डीलिमिटेशन होने के बावजूद भी जो एज ए पेरेंट भी दे वॉन्टिड टू पार्टिसिपेट दे वॉन्टेड टू बी विद द टीचर्स ताकि उनके साथ ज़्यादा शेयरिंग हो सके and it was also observed uh, by the concerned researcher that the wherever women were provided with the strong participation that school also did well that community also did well वेल so, क्योंकि जी वही हम तो हमारी तो संस्कृति ये मानती है कि जो माँ है वो सब पहले गुरु भी है, है पहले शिक्षक है और साथ में कहते हैं ना माँ के कदमों में जन्नत होती है जी जी तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमें सब कुछ मिलता है वो Uh, सबसे ज्यादा जो मिलता है वो माँ की वजह से मिलता है माँ तो ऐसे संस्कृति को हमें बढ़ावा देना चाहिए खाली पेपर तक ही नहीं रहना चाहिए तो वहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की बहुत ज्यादा हो जाती है और लेडी टीचर्स के लिए तो इजी भी है कि जाके वो बात कर सके एसएमसी के मेम्बर से और उनके हस्बैंड से भी हाँ, से बात करना भी बड़ा ज़रूर हाँ की उन्हें आने दें और उन्हें पार्टिसिपेट करने दें क्योंकि वो स्कूल है कोई पॉलिटिकल मंच तो है नहीं कि अगर वो आएंगी तो स्कूल बेटर होगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ़्लुएंस जो पॉजिटिव इन्फ़्लुएंस मिलेगी और उनकी पार्टिसिपेशन से उस कम्युनिटी उन स्कूल और उनके बच्चों को भी फायदा होगा जी बिल्कुल आपने वी में एक चीज़ जो मैंने रिसर्च स्टडीज़ में पाई मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगी क्या आपने देखा कि वी के मेबर्स के ख़ुद के बच्चे उन स्कूलों में जा रहे थे ये अगर हम बात करें जो अगर उस शहर के आसपास के गांव थे वहाँ पे प्राइवेट स्कूल आ चुके हैं अच्छे प्राइवेट स्कूल थे तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि उनके बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं हाँ लेकिन जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ ज़ाहिर तौर पर उनका इन्वॉलमेंट ज़्यादा था क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट था कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है अगर इस मेरे इसी स्कूल में कुछ फ़ायदा होगा तो उसका फ़ायदा मेरे बच्चे को भी मिलेगा अगर किसी मेम्बर का बच्चा प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहा है वो मेम्बर एक स्कूल का है तो जाहिर तौर पर उसका इतना ध्यान नहीं रहता है वहाँ पर अगर वो ज़िम्मेदार व्यक्ति नहीं है हाँ जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसे फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा बच्चा कहाँ पर है उसके लिए सारा गाँव और वो सारे बच्चे उसको लगता है कि मेरे बच्चे हैं और इसका फ़ायदा अगर स्कूल में भी होता है चाहे वो वॉशरूम बनते अच्छे चाहे वो बाउंड्री लाइन अच्छी बनती है चाहे स्कूल अपग्रेड होता है टेंथ से ट्वेल्थ के तो उसको पता है कि ये फ़ायदा पूरे बच्चे को मिलेगा लेकिन अगर उसका बच्चा उसमें पढ़ता है तो जाहिर तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी आदमी उस, उससे संवेदनशील हो जाता है कि ये तो मेरे बच्चे का भी भला है तो इसको भी हम बढ़ा सकते हैं कि ये मोटिवेशन आए ये अवेयरनेस आए कि जितने भी आपने भी पहले भी बोला था कि जितने सरकारी लोग हैं उनके बच्चे अगर वहीं पर पढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर उनका ध्यान जाएगा कि मेरा अपना बच्चा वहाँ जा रहा है तो क्यों ना इसकी इस चीज़ का फ़ायदा उसे मिले तो इसका मतलब ये भी देखना जरूरी है कि टीचर्स दो लेवल पे काम करना पड़ेगा का, क्योंकि स्कूल में टीचर्स और जो हेड मास्टर्स हैं उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जी. एक तो वो स्कूल लेवल को इतना राइज करें कि हर एक पेरेंट को लगे कि हाँ हम अपने बच्चे को यहाँ भेज सकते हैं और यहाँ से भी वो सीख कर ही आएगा जी। दूसरी चीज़ उसको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वी के इसके मेंबर्स और एस वी के मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेजें पार्टिसिपेट भी करें स्कूल भी भेजें और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंश्योर करना दोनों तरफ का काम है कम्युनिटी का भी काम है और साथ में स्कूल का भी काम है अच्छा एक और चीज पर मैं बात करना चाहूँगी कि जो जो सोशल डिवाइड है ड्यू टू ड्यू टू कास्ट या कम्युनिटी उसको उसकी जो प्रॉब्लम है क्योंकि काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ में देखा गया कि भाई उनकी परसेंटेज भी कम होती थी और वही कारण था नंबर नंबर्स की भी प्रॉब्लम थी और साथ में सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड भी उनका जिनका कम होता था और जिनके बच्चे होते थे वो उन्हीं स्कूलों में तो उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता था तो उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं होता तो ये टीचर कैसे इंश्योर कर सकता है देखिए सबसे पहले तो एक टीचर को अपने मुखर होना पड़ेगा बातचीत करनी पड़ेगी वो पेरेंट्स के साथ भी करनी पड़ेगी और बच्चे के साथ भी करनी पड़ेगी एक बच्चे को ये दिखाना कि अगर आपके परिवार गरीब है तो इसमें कोई इतना कोई शर्म की बात नहीं है वो एक आपका आर्थिक एक दृश्य है लेकिन अगर आप पढ़ोगे अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास सबसे बेहतर हथियार वो एजुकेशन का है जिन्होंने भी एजुकेशन ली है जिनके भी परिवार के आर्थिक रूप से समृद्ध है उस बच्चे के बजाय उसे दिखाया जाए उसको तुलना कराई जाए कि देखो बेटा ये अगर आप ऐसा बनना चाहते हो अगर आप अपने घर परिवार को बदलना चाहते हो अगर आप कच्चे मकान से पक्के मकान में आना चाहते हो अगर आप अपने सुबह शाम के खाने की चिंता आपके माँ बाप को रहती है अगर आप उसे बदलना चाहते हो तो इसका आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा पहल करनी पड़ेगी टीचर को चाहिए कि वो अपनी भी व्यक्तिगत चीज़ें शेयर करें क्योंकि ज़ाहिर तौर पर कोई ना कोई टीचर हर कोई कहीं ना कहीं लाइफ में संघर्ष निकल कर आता है वो संघर्ष बच्चे के साथ शेयर किया जाए उसे हीनता का एहसास ना हो कि अगर मैं गरीब बैकग्राउंड से हूँ या मेरी कास्ट को या मेरे धर्म को या किसी भी चीज़ को अगर इतना ज़्यादा गाँव में वो माइनॉरिटी में रख लख, रखते हैं उसे पता लगे कि ये कोई हीनता की बात नहीं है इसके लिए अगर आप कुछ बदल सकते हो तो बच्चा बदल सकता है एक बच्चे के पास क्रिएटिव है वो सपने हैं उसके पास उसके पास उड़ान भरने की इच्छा है लेकिन सवाल है कि उसके सामने एग्जाम्पल सेट कौन करे ये टीचर का काम है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव बताए कि में, में अपना संघर्ष बताए बच्चे को और साथ में उसी कास्ट जिस भी कास्ट से वो बिलोंग करते हैं जिस भी धर्म से बिलोंग करता है जिस भी गांव से बिलोंग करता है उसके और कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे टीचर को अगर थोड़ा रिसर्च करे वो जिसमें उन उससे उतनी कंडीशन में उतनी बुरी स्थिति में किसी इंसान ने अचीवमेंट ले रखी थी तो बच्चों को उससे अगर मिलवा सकते हैं तो बिल्कुल मिलवाए उसका तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर उसको सामने बिठा दे बच्चे के कि देखो बेटा ये भी आपके कास्ट से थे ये भी गरीब थे इनके पापा भी गरीब थे लेकिन देखो ये आई बन गए या ये टीचर बन गए या डॉक्टर बन गए संगीत इसमें मैं चर्चा करना चाहूंगी कि मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उसका बेसिक रीजन तो यही था कि सब बच्चे इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे तो वो इक्वालिटी आएगी जी इक्विटी और इक्वालिटी को प्रिंसिपल मान के हमने मिड डे मील का प्रोविजन भी स्टार्ट किया है यानी एक तो टीचर्स को और स्कूल को ये ध्यान देना पड़ेगा और साथ में एसएमसी को और वीसी को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो मिड डे मील है वो प्रॉपर हो जी। खाना पौष्टिक भी हो और साफ सुथरा भी हो और अच्छी तरह बराबरी लाकर सबको खिलाया जाए जी। दूसरा बीच बीच में अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि हर एक बच्चा अपने स्कूल से स्कूल में खाना लेकर आए और वो शेयर करे साथ में कुछ भी अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो वो औरों के साथ शेयर करे किसी का मैथ्स अच्छा है तो बाकी ग्रुप में मैथ्स पढ़ाए तो यानी कि अपने क्लास को अगर और अपने स्कूल को लर्नर बेस्ड बनाएं हम रैदर देन जो लेक्चर बेस्ड रखते हैं जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आती है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का मेन फेलियर होने का कारण क्या है कि हम लेक्चर बेस्ड रखते हैं और ये लेक्चर बेस्ड होने की वजह से वो इंफॉर्मेशन खाली हम डालते रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन बच्चा रिटेन करता है एक्सेप्ट करता है हम ये तो इवेल्यूएट ही नहीं करते और ये देख भी नहीं पाते तो एक तो ल, लर्नर बेस्ड क्लासरूम बनाएं एज ए टीचर हम और लर्नर बेस्ड बनाएंगे तो ग्रुप वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्रिएटिव वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एज ए टीचर हम लेकर चलेंगे और नैचुरली uh, जब हमारी अप्रोचेज़ होंगी तो हमारी क्लास में ज़्यादा चहलकदमी होगी और ज़्यादा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करेंगे एक दूसरे से खुलेंगे दोस्त बनेंगे और जो भी उनके मन में जो भी डिविजन्स है वो कम होगी और यही काम स्कूल में uh, कम्युनिटी के साथ भी करना होगा ताकि कम्युनिटी को भी ये लगे कि स्कूल में आने के बाद सभी बराबर है यानी जो भी पेरेंट्स आते हैं उनको भी इक्वली हम ट्रीट करें और कोशिश करें कि पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए योगदान दें मदर्स आएँ तो सब इक्वल हों और ये चीज़ें फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की ही बन जाती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्योंकि तो लीगल कमिटीज़ हैं जो वीईसी हैं और एसएमसीज़ हैं उनकी भी बन जाती है जी मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि एक महीने में कम से कम एक बार गांव में ही अगर हम बात करें गांव में किसी भी आसपास पास जहाँ पर भी स्कूल है बच्चों को नुक्कड़ नाटक के नाम से ही सही, सही उनको मोहल्ले वाइज हर 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 दिन या हर महीने में जब भी वो एक डेट डिसाइड कर ले सब जगह पर कराई जाए हाँ जा। जो आपने बात की बहुत अच्छी बात कही कि दोस्त बनेंगे बच्चे अगर कई बार ऐसा होता है कि मैं उस मोहल्ले में गया ही में नहीं जिसमें मेरा क्लासमेट पढ़ रहा है तो मैं वहां जाकर जानूंगा अगर एक बच्चा वहाँ परफॉर्म करेगा उस मोहल्ले का तो और लोग भी जुड़ेंगे कि अच्छा इनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है हम क्यों नहीं सरकारी स्कूल में कुछ चीजें वो फॉलो करें जिनकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए प्राइवेट स्कूल में अच्छी है अगर है तो लेना चाहिए कोई इसमें बुरी बात नहीं है अगर इम्प्रूव करना है तो हम वहाँ से आइडियाज़ उठाए नुक्कड़ नाटक के नाम पर ही सही कोई सरकारी स्कीम अगर ऐसी आई है जो आपको लगता है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए गाँव को होनी चाहिए तो बच्चों को उसके एक नाटक तैयार कराए और उस नाटक को परफॉर्म कराए गाँव वाले सुनेंगे भी देखेंगे भी और बच्चा भी जुड़ेगा और मोहल्ले दर मोहल्ला उसको पता लगेगा कि अच्छा बच्चे ना सिर्फ पढ़ते हैं उनके कुछ ऐसे भी काम करते बच्चे जिनसे कि सोसाइटी के लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है डॉक्टर संगीत इसमें एक और चीज़ हम जोड़ सकते हैं क्योंकि जब सर्व शिक्षा अभियान जोड़ा गया तो उसका एक कारण ये भी था कि हम जो अपनी एजुकेशन को स्किल ओरिएंटेड बनाने की कोशिश कर रहे थे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना था कि हमारी जो एजुकेशन है वो स्किल ओरिएंटेड रहे तो स्किल ओरिएंटेड स्कूल में तो हम नहीं बना सकते अनटिल एंड अनलेस वी इन्वॉल्व कम्युनिटी क्योंकि कम्युनिटी में सारी ही स्किल प्रैक्टिकली की जाती हैं और नेचुरली हमारे पास उस सोसाइटी में फर्नीचर बनाने वाला भी है जी। और लोहे का काम करने वाला भी है सोने का काम करने वाला भी है सुनार भी है लोहार भी है और गांव में तो सारी ऑक्युपेशंस हैं तो इस तरह से हम स्कूल में अगर लेकर आते हैं तो दो काम हम कर सकते हैं एक तो हम बच्चों को ये भी समझा सकते हैं कि हर एक ऑक्युपेशन इक्वल uh, है, है और टू बी रेस्पेक्टेड है और रिक्वायर्ड है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी और उसके अलावा हम अपने बच्चों को ऐसी स्किल्स भी सिखा सकते हैं कि जो जी. उन्हें आगे जाके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी है जी. क्योंकि अल्टीमेटली तो बच्चा एजुकेट होकर बाहर सोसाइटी में ही जाएगा और उसके प्रिपरेशन का काम भी अगर हम सोसाइटी को इन्वॉल्व करें तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम अच्छी तरह कर सकते हैं जी बिल्कुल इसी में हम और भी जोड़ सकते हैं हम कोई वर्कशॉप करा करा सकते हैं बुला के गांव के ही लोगों को जोड़कर कोई ना कोई आपने बताया किसी स्किल में तो मास्टर है ही हम उसकी वर्कशॉप स्कूल में लगवा दे बच्चे को भी पता लगेगा कि अच्छा ऐसा हमारे गाँव में भी कोई इंसान है जिसके लिए मतलब उनको ये ना लगेगा कि वो हीन दीन बात है ये, ये एक अच्छी बात है हर किसी इंसान को अपना प्रोफेशन चूज करने का राइट है उसने जो किया था उसकी वर्कशॉप करवा हम उसे भी मोटिवेट करेंगे और बच्चों को भी बल्कि मुझे याद है कि मैंने स्कूल में एक छोटा सा बैड बनाया था क्राफ्ट रूम मेरा एक एस यू पी डब्ल्यू वाला था और वो मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि दैट वॉज समथिंग विच रियली डिड विद माई हैंड्स तो जब बच्चा हाथ से कुछ करता है कुछ सीखता है वो वो क्रिएटिव प्लेजर जो उसे मिलता है अभी मैंने वो बैट संभाल कर रखा हुआ इतनी उम्र के बाद भी और मैंने बनाया होगा वो जब मैं फोर्थ फिफ्थ में थी लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब आइकन है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया था तो अगर हम बच्चों को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं तो वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो क्लासरूम से बहुत हायर साइड पर होता है कि हमने कुछ किया है कुछ पाया है और प्रैक्टिकली हमने कुछ देखो सुंदर सी चीज़ क्रिएट की है और इससे ये भी पता चलता है कि भाई कारपेंटर होना कितना मुश्किल काम है मैंने उसके बाद कोशिश करती थी कि भाई जैसे घर पे भी कोई कारपेंटर काम कर रहा होता था कि देखो जरा करके नहीं कर पाती थी और पता चलता था कि बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है ये चीज़ें रिलाइज करने के लिए बच्चों को पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत होगी और वो स्कूल मैनेजमेंट ही कर सकती है या टीचर्स ही कर सकते हैं वी सी कर सकते हैं ये पुस्तक होती है वो उसकी सीमाएं होती हैं सिखाएँ है। और व्यवहार में जाकर देखना बिल्कुल और वहाँ पे सीखना वो जीवन भर याद रहता है बिल्कुल तो जितने भी समाज के लोग हैं वे जिस प्रोफेशन में भी हैं उस प्रोफेशन में के बच्चों को उसका ज्ञान जरूर दें बहुत जरूरी और उससे कितना कितने तरह का ज्ञान मिलेगा कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए जैसे कारपेंट्री की बात कर रही हैं आप वो अगर एक बार जाकर देख लिया तो भले ही उसको वो काम नहीं करना हो बाद में लेकिन अपने घर का जब निर्माण करना होगा तो वो ज्ञान काम आएगा बहुत काम आता है है ना तो किस तरह से कौन सा ज्ञान आपके जीवन में उपयोगी हो सकता है इसकी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती अच्छा खाना बनाना भी सर एक आर्ट है और जिनकी माए अच्छा खाना बनाती हैं अगर हम उसे ही प्रमोट करें स्कूल के थ्रू ही प्रमोट करें तो बच्चा भी पावरफुल महसूस करेगा और वो माँ भी ज्यादा से ज्यादा पावरफुल महसूस करेगी बहुत सारे काम हैं जो हर एक स्किल में हर कोई इन्वॉल्व है वही है कि हमें सोसाइटी को भी एज ए ए पार्ट ऑफ़ स्कूल देखना पड़ेगा कम्युनिटी को भी एज ए पार्ट ऑफ़ स्कूल देखना पड़ेगा और इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ानी पड़ेगी इसमें मुझे कभी कई बार लगता है कि स्कूल में विद्या तो दी जाती है लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है वो समाज में ही मिलता है जाके है। तो दोनों महत्वपूर्ण हैं आप प्रोफेशनली भी बहुत डेवलप करें जहाँ तक पहुँच सकते हैं लेकिन अगर जीवन का ज्ञान नहीं है आपको तो आप कितना सफल होंगे बिल्कुल और दोनों चीजें अगर जो जुड़ जाए तो बच्चा ज्ञानी भी होगा और सांसारिक भी होगा और व्यावहारिक भी होगा व्यवहारिक भी होगा ये काम हमारे शिक्षक जो देख रहे हैं वो कर सकते हैं कि गाँव से डेटा निकाल ले की कि किन लोगों ने अचीवमेंट की है वो नौकरी में हो या वो खेती में भी क्यों ना हो या वो किसी खास प्रोफेशन में हो उनको बुला के बच्चों से इंट्रैक्शन करा दी जाए वर्कशॉप करा दी जाए या उनसे उनका उनके अनुभव बच्चों को बताए जाए ताकि उन्हें पता लगे कि रियल एजुकेशन जो सर ने बताया कि असली शिक्षा जो है वो किस तरह इन्होंने ली है किताबी ज्ञान से अलग बिल्कुल और कम्युनिटी को भी अच्छा लगेगा बिल्कुल कि हमारे साथ स्कूल जुड़ा हुआ है स्कूल हमारा अपना एक भाग है पार्टिसिपेशन है और हमें यहाँ से बड़ों को भी कुछ ना कुछ मिलने सीखने को मिल रहा है सीखने को हैं जी और एक जो कल बात उठी थी अनुशासन की तो अगर सामाजिक भागीदारी रहेगी तो अनुशासन की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी समाप्त हो जाएगी और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था कि अनुशासित अपने आप ही हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि अच्छा हो रहा है अगर हम दूसरा ये है कि जो समाज का व्यवहार होता है वही बच्चे का व्यवहार होता है अगर समाज पॉजिटिव तरीके से स्कूल को देख रहा है तो बच्चा अपने आप स्कूल के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा जी बिल्कुल और वही जनरेशन टू जनरेशन फिर एक आइकन बन जाएगा हेरिडिटी बन जाएगी जी जी कि हमारे दादा दादी ने जैसे स्कूल चलाया है तो हमें भी वैसे चलाना है और वो जनरेशन टू जनरेशन पास और, और स्कूल एक आदर्श स्थान है आदर्श स्थान है तो इसी के साथ समय की सीमा है मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस विषय को दो दिन तक निरंतर बहुत विस्तार से बताया है और मैं समझता हूँ कि शिक्षार्थियों आपने भी इसका लाभ उठाया होगा और इसका प्रयोग भी करेंगे जो चर्चा यहाँ हुई है तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद